माय नेम इज़ आकाशदेव महापात्रो, फाइनल ईयर मैकेनिकल स्टूडेंट। और अगर आप आज क्वार्टर जॉइंट बनाने के बाद उसको इस तरह से असेंबली करने के बाद एनिमेट व्यू करना चाहते हो, सो यू आर इन द राइट प्लेस। लेट्स बिगिन द वीडियो। एंड वन मोर थिंग, आई एम वेरी सॉरी, कभी कभी मेरी वॉइस मैकेनिकल वॉइस की तरह लग सकता है इस वीडियो पर ड्यू टू मेनी टाइम पावर लॉस, सो प्लीज़ एडजस्ट इट। सो हाय, आज मैं नकी जॉइंट का वीडियो सॉलिडवर्क्स से बनाने जा रहा हूँ बहुत दिनों बाद। तो यहाँ पर इतने सारे पार्ट्स हैं, ओके, इन सभी पार्ट्स को अलग अलग से बनाने के बाद इसमें एक असेंबली बना दूंगा, ओके। सो चलो, इसका यहाँ पर एक सेक्शन व्यू है, ओके। यहाँ पर सेक्शन अलग अलग मटेरियल है, तो इस तरह से सेक्शन है। तो फिलहाल यहाँ पर सारा पार्ट्स है, तो चलो हम इस पार्ट्स को एक एक करके शुरू करते हैं, ओके। एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पर सॉलिडवर्क्स को ओपन कर लिया। सॉलिडवर्क्स को ओपन करने के बाद पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको शुरू से दिखा सकूं कि सॉलिडवर्क्स 2023 है। तो हम यहाँ पर फाइल पर जाएंगे, फाइल पर जाने के बाद न्यू पर जाएंगे, उसके बाद एक नया पार्ट डिजाइन लेंगे। पार्ट डिजाइन लेने के बाद हम यहाँ पर हमेशा की तरह स्केच पर जाएंगे। स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर एक लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद यहाँ पर प्लेन सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो तुम कोई भी एक प्लेन सिलेक्ट कर लो, बाद में हम असेंबली के टाइम उसको ठीक कर लेंगे, ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर फ्रंट प्लेन लेता हूँ, ओके। अगर तुम्हें आइडिया है तो तुम पहले से ही सही प्लेन ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर फॉर कंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद इनफाइनाइट लेंथ को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके एक y एक्सिस करूंगा और यहाँ पर एक x एक्सिस करूंगा, उसके बाद इस पर टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद हमारा रेफरेंस एक्सिस रेडी हो चुका है। रेफरेंस एक्सिस रेडी होने के बाद हम यहाँ पर एक सर्कल भी ले सकते हैं या फिर एक आर्क भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट आर्क लूंगा। लेने के बाद यहाँ पर सेंटर पॉइंट से डायरेक्ट y एक्सिस से लेकर यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा, ओके। बाद फिर से यहाँ पर एक आर्क लूंगा, दोनों आर्क है ना, हाँ दोनों ही आर्क है, ओके। अगर तुम्हारे आर्क दूसरी तरफ आ रहा है तो तुम इस तरफ से भी कर सकते हो, देखो इस तरफ से भी हो गया, या फिर तुम इस तरफ से घुमाकर, सॉरी मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने से वो, ओके, सिलेक्ट करके फिर से डिलीट मारो, उसके बाद एक आर्क ले लो। आर्क लेने के बाद, ओके, मैं क्या समझा रहा था, कि तुम यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर इस तरह से तुम्हारा आर्क आ रहा है तो तीन चार बार ऐसे घूमो तो इस तरफ से आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारना, तो जो टूल तुमने सिलेक्ट किया था वो फ्री हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल दबा के मिडिल माउस को क्लिक करके थोड़ा सा एडजस्ट करना। एडजस्ट करने के बाद मैं सॉलिडवर्क्स के स्क्रीन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो, ओके। कंट्रोल और मिडिल माउस दबा के इसका एक्सेस कर रहा हूँ। कंट्रोल करने के बाद मैं यहाँ पर डायमेंशन लूंगा, स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊंगा। स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 30 दबा के मैं एंटर मारूंगा, और अंदर वाले का रेडियस है 15 दबा के एंटर मारूंगा। सॉलिडवर्क्स में ही बहुत अच्छी चीज है कि तुम जो भी डायमेंशन लोगे उसी डायमेंशन को रेफरेंस मान के दूसरा डायमेंशन लेगा। अगर तुम फ्रीकैड या क्रियाकैड या इन तरह का सॉफ्टवेयर को यूज करोगे तो वो रेफरेंस को नहीं लेगा, वो अपने जो बेस डायमेंशन रेफरेंस है उसको रेफरेंस मान के इसको एडजस्ट करेगा, ओके। जो अच्छी चीज नहीं है, तुम डायमेंशन देने के बाद देखोगे कि बहुत बड़ा हो गया या बहुत छोटा हो गया, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है जो सॉलिडवर्क्स में नहीं होता। जो भी हो, इतना फालतू बात ना करते हुए मैं यहाँ पर लाइन टू लिया। लाइन टू लेने के बाद इन दोनों को एक साथ क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद फिर से यहाँ पर दोनों पॉइंट के बीच में क्लोज कर दूंगा, ओके। राइट क्लिक करके सिलेक्ट मार दूंगा। सिलेक्ट मारने से जो, अच्छा एक सेकंड मैंने क्यू लिया, सॉरी इसको डिलीट कर दो क्योंकि मुझे इसको एक्सटेंड करना है, ओके। मैंने गलती से बात करते करते ले लिया, कोई बात नहीं। कंट्रोल दबा के मिडिल माउस दबा के थोड़ा एडजस्ट करने के बाद मैं एक रेक्टेंगल लूंगा। रेक्टेंगल लेने के बाद एकदम इसको अंडू करो, कंट्रोल प्लस जेड दबा के। यहाँ पर एक्चुअली मिडिल माउस रेक्टेंगल लिया हुआ है, ओके, सेंटर रेक्टेंगल। मैं एक्चुअली कॉर्नर रेक्टेंगल लेकर कुछ इस तरह से करना चाहता हूँ। राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारो। सिलेक्ट करने के बाद इसको और इसको यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं डायमेंशन से सब ठीक ठाक कर दूंगा। तो मैं पर स्मार्ट डायमेंशन लूंगा। मैं क्या कह रहा था, एक्चुअली डायमेंशन से ठीक ठाक कर दूंगा। मैं बोल रहा था कि मैं अगर ऐसे सेंटर रेक्टेंगल लूंगा, लेता ना, तो यहाँ से क्लिक करके तो डायरेक्ट एक कॉन्स्टेंट हो जाता, ओके। बाद में मुझे इन दोनों तरफ एडजस्ट ना करना पड़ता, कोई बात नहीं। मैं ऊपर भी ऊपर से जो भी हो यार, तुम समझ रहे। स्मार्ट डायमेंशन लूंगा। स्मार्ट डायमेंशन लेने के बाद यहाँ पर टोटल थिकनेस कितना है, टोटल थिकनेस है 30, ओके। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर 30 दबा के एंटर मारूंगा। 30 दबा के एंटर मारने के बाद यहाँ पर एक लेंथ है, ओके। यहाँ पर लेंथ देखो 125 माइनस 30 करूंगा, ओके। चलिए मुझे ये वाला पार्ट पहले करना है, ओके।
सो मैं यहाँ पर एक लाइन टूल लूंगा, लाइन टूल लेने के बाद इस पॉइंट को जाके कुछ ऐसे उसके बाद ऐसे कर दूंगा, राइट क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा। अगर ये सीधा लाइन ना हुआ, मतलब ये वाला लोगो ना आया तुम्हारा, तेरा मेरा हो जाए, तो इसको क्लिक करके तुम इसको हॉरिजॉन्टल कर देना, तो ठीक ठाक हो जाएगा। ओके, मेरा हो गया तो हो गया। तो मैं इस पार्ट को पूरा ऐसे सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा तो कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो, करने के बाद यहाँ पर मिरर एंटिटीज करो, उसके बाद रेफरेंस मिरर अबाउट पर क्लिक करके रेफरेंस पर क्लिक करो, मिरर अबाउट पे क्लिक करके रेफरेंस को क्लिक करो, और यहाँ पर ये लाइन छूट गया था। ओके, उसके बाद इसको टिक मार दो, टिक मारने से देखो हो गया। ओके, उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद डायमेंशन देना होगा। तो सेंटर से इस लाइन का डायमेंशन एक्चुअली कितना था, 30, तो 30 दबा के हमें एंटर मारना होगा, हो गया। ओके, और तुमने अगर यहाँ से ही डायरेक्ट इसका डायमेंशन ले लोगे तो तुम्हें माइनस नहीं करना पड़ेगा 30, तुम डायरेक्ट 125 दबा के एंटर मार दो तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारो, उसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद तुम चाहो तो इसको ट्रिम कर सकते हो, यहाँ पर ट्रिम एंटिटीज करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ओके, और अंदर वाले पार्ट की भी कोई जरूरत नहीं है, और इसको भी तुम हटा सकते हो, फिलहाल मुझे कोई दिख तो नहीं रहा। ओके, और ट्रिम एंटिटीज तुम इस छोटू से पार्ट को और इस छोटू से पार्ट को भी हटा दो, हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसको टिक मार दो, टिक मारने के बाद ये अच्छा ये हिल रहा है ना, कोई बात नहीं। देखो टोटल 30 है, टोटल 30 है, तो सेंटर लाइन से आधा कितना होगा, स्मार्ट डायमेंशन लेंगे, स्मार्ट डायमेंशन लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 30 का आधा होगा ना, तो 30/2 दबा के एंटर मारूंगा तो देखो फुल्ली डिफाइंड हो गया, देखो नीचे लिखा रहा है। अच्छा, अंडर डिफाइंड क्यों दिखा रहा है, ऐसा कोई पार्ट है क्या जो, ओ अच्छा 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 ये वाला पार्ट, देखा ये वाला पार्ट, इसको क्लिक करके डिलीट मारो, इसकी अंदर वाला सेंटर था ना, जो क्या बोलते हैं उसको, डायगोनल लाइन था, दोनों डायगोनल के सेंटर का पॉइंट यहाँ पर रह चुका था, तो इसको डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर दिखा रहा है फुल्ली डिफाइंड, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो हो चुका है। उसके बाद तुम अगर यहाँ पर एक फिलेट लेना चाहते हो तो फिलेट ले सकते हो, फिलेट का ऑप्शन यहाँ पर मुझे दिख तो नहीं रहा स्केच के अंदर, अच्छा हाँ फिलेट दिख गया। फिलेट का रेडियस कितना लूंगा, यहाँ पर पहले रेडियस ले सकते हो, रेडियस यहाँ पर 24 दबा के मैं एंटर मारूंगा, एंटर मारने के बाद तुम यहाँ पर ले जाओगे तो फिलेट दिख जाएगा, और यहाँ पर भी ले जाओगे तो फिलेट दिख जाएगा। उसके बाद इसको टिक करो, टिक करने से फिलेट भी हो चुका है और फुल्ली डिफाइंड भी दिखा रहा है, मतलब सब कुछ सही है। उसके बाद इसको टिक मारो, टिक मारने के बाद तुम सेव स्केच मारो, सेव स्केच मारने के बाद हम यहाँ पर इसको फीचर्स पे जाएंगे, फीचर्स पे जाने के बाद एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करने के बाद मैंने क्या बोला था कि अच्छे लड़के हमेशा यहाँ पर मिड प्लेन करते हैं। उसके बाद इसका थिकनेस टोटल है 30, ओके, तो हम यहाँ पर 30 दबा के एंटर मारेंगे तो एकदम परफेक्टली आ चुका है। उसके बाद इसको टिक मारो, टिक मारने के बाद यहाँ पर और एक चीज करना होगा, मुझे यहाँ पर एक मिड प्लेन चाहिए, देखो ये वाला प्लेन, ओके, जो बीच से जाता है। मिड प्लेन जाने के बाद राइट क्लिक करके इसको स्केच पर जाऊंगा, स्केच पर जाने के बाद कंट्रोल मिडिल माउस दबाकर थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर कॉन्वर्ट एंटिटीज पर जाके यहाँ पर क्लिक करने से ये वाला जो लाइन है देखो ये एक्टिव हो चुका है, ताकि हम इस लाइन को यूज कर सके। ओके, तो क्लिक कर दूंगा तो देखो ये वाला लाइन यहाँ पर एक्टिव हो चुका है, स्पेस दबा के फिर से हम उल्टी तरफ भी हो गया, सॉरी, अच्छा हुआ तो हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें ड्राइंग मैनुअल ड्राइंग पढ़ना आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर सर्कल लूंगा, सर्कल लेने के बाद यहाँ पर देखो मिड वाला पॉइंट आ रहा है, मिड वाला पॉइंट लेकर यहाँ पर एक सर्कल लूंगा, सर्कल लेने के बाद क्या करूंगा, स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊंगा, स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद यहाँ पर एक रेडियस दूंगा, रेडियस कितना है, रेडियस 50 एक्चुअली, और डायमीटर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मेक द डायमेंशन ऑफ, ये किसी के साथ कॉन्स्टेंट हो चुका है यार, क्या फालतू गिरी है, किसके साथ कांस्टेंट हुआ है वो भी तो दिख नहीं रहा, यहाँ पर कुछ सिंबल वगैरह, इसको डिलीट कर दो यार, डिलीट कर दो, यस डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद फिर से हम स्केच के अंदर ही है, तो सर्कल लेकर, सर्कल कहाँ से आ रहा है देख लेता हूँ, हाँ ठीक ठाक ही सर्कल तो आ रहा है। ओके, उसके बाद इसको क्लिक करके यहाँ पर डायमीटर पहले से कैसे आ रहा है, डायमीटर में यहाँ पर 50 दबा के एंटर मारूंगा, हाँ अब एकदम ठीक है, स्पेस दबा के फिर से नॉर्मल करता हूँ, नॉर्मल करने से हो गया। उसके बाद इसको टिक मारो, टिक मारने से अंदर एक और एक सर्कल है,
एक्चुअली कैसे दिखता है? अच्छा, अंदर एक होल होगा। अंदर मतलब मैं यहाँ पर एक्सक्लूड कट भी कर सकता हूँ, एक्सक्लूड कट ही करना पड़ेगा क्योंकि अंदर ये वाला पार्ट है। जो भी होगा, तुम्हें समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो ट्रैफिक लाइट का सिंबल दिखा रहा है, अगर ऐसा दिखा रहा है तो ये रिफ्रेश का प्रॉब्लम है। तो ये ऊपर ट्रैफिक लाइट का सिंबल दबा दो तो देखो ये वाला सिंबल चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, हम ऑटोमेटिक स्केच से बाहर आ चुके हैं। एक्चुअली उस स्केच से बाहर आने के लिए ही कह रहा था। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक्सक्लूड करूंगा। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं स्केच को सिलेक्ट करना भूल गया। स्केच को सिलेक्ट किया, उसके बाद एक्सक्लूड या एक्सक्लूड करने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, हमेशा मिड प्लेन। मिड प्लेन करने के बाद मैं यहाँ पर टोटल कितना दिया है, 30+, एकदम हमें ऊपर तक जाना होगा। ओके, अच्छा मैं यहाँ पर ना एक ऑफसेट मारता हूँ, मैं यहाँ पर ऑफसेट मारता हूँ। एक्सक्लूड हो रहा है ना, एक्सक्लूड दिख क्यों नहीं रहा? अच्छा मैंने प्लेन को सिलेक्ट नहीं किया था, जो बात कोई बात नहीं, बढ़ तो रहा है। मैं यहाँ पर एक ऑफसेट लूंगा, ऑफसेट लेने के बाद यहाँ पर 30 दबाऊंगा, 30 दबा के एंटर, तो देखो ये ऊपर आ गया। ओके, ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पर आसानी से 17.5 दबा के एंटर मारूंगा, तो देखो एकदम परफेक्टली ऊपर आ गया। अच्छा ये नीचे से आना चाहिए था, मैंने 30 क्यों दबाया? 30 का देखो, 30 मतलब ऊपर नीचे टोटल होगा 30, उसका आधा कितना होगा, आधा होगा 15। तो मैं एक बार 15 दबा के देखता हूँ। हाँ फिर भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर सरफेस प्लेन सिलेक्ट करके इस सरफेस को क्लिक करूंगा, तो इस सरफेस से, ओ अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पर कर रहा है, मैंने मिड प्लेन ले रखा है। ओके हाँ देखा आप, ठीक है। कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि मैंने पहले पहले दबा दिया, उसके बाद भूल गया कि ये ऑप्शन एक्टिव है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन कर दिया, करने के बाद एक ही तरफ हो रहा है, दोनों तरफ नहीं हो रहा, तो टेंशन मत लो, हम यहाँ पर मिरर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर 17.5 है, और किस सरफेस से मैंने लिया है, इस सरफेस से लिया है। ओके, तो उसके बाद हम टिक कर देंगे, टिक करने के बाद देखो हो गया। उसके बाद इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, एक सेकेंड इसको मुझे ठीक ठाक ले आने दो। ओफो इस तरह से क्यों हो जाता है यार। हाँ अब ठीक है, मैं कब से इस तरह इस एंगल पे ले आने की कोशिश कर रहा था, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर इस प्लेन को क्लिक करेंगे, प्लेन को क्लिक करने की कोई जरूरत फिर नहीं थी। मैं इस एक्सक्लूड को क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिरर एंटिटीज कहाँ है, मिरर 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 मिरर, बहुत दिनों से सॉलिड वर्क इस्तेमाल नहीं किया है ना, इसलिए भूल गया कि मिरर कहाँ पर है। हाँ ये रहा, मिल गया मिरर, क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिरर, उसके बाद यहाँ पर मिरर रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर है, अच्छा सॉरी यहाँ पर, यहाँ से मैं इस प्लेन को लूंगा, तो देखो दोनों तरफ हो गया। ओके, तो उसके बाद इस पर टिक करो, टिक करने से ये क्या हो गया एक सेकंड, मैं इसको एडिट पर जाता हूँ। एडिट पर जाने के बाद टॉप प्लेन, अच्छा दिखा तो ठीक रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर सेकेंड मिरर फेस, सेकेंड मिरर फेस, अच्छा एक सेकेंड, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये वाला एक्सक्लूड पर फिर से एडिट करने जा रहा हूँ। एडिट करने जाने के बाद मैं यहाँ पर फेस को ना लेके मैं यहाँ पर ऑफसेट लूंगा, ऑफसेट 15, ऑफसेट 15 लेने से ठीक ठाक हुआ है। हाँ ये भी ठीक है, अब देखते हैं कि सही तरह से होता है कि नहीं। पहले मैं इस प्लेन को क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद मिरर करूंगा। मिरर करने के बाद यहाँ पर इस वाले चीज को अगर मैं सिलेक्ट करूंगा, मिरर फेस डिलीट, मिरर फेस में इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं मिरर पर दबाऊंगा, मिरर पर जाने के बाद यहाँ पर इस वाले प्लेन को फुल प्रीव्यू एक्टिव है, उसके बाद टैब दबाऊंगा। हाँ सही तरह से हो गया। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बहुत दिनों बाद मैं सॉलिड वर्क्स यूज कर रहा हूँ, इसलिए ऑप्शन थोड़ा सा मुझे रिकैप करना पड़ रहा है। ओके कोई बात नहीं। ओके, तो हमारा काम हो चुका है, अगर तुम्हें आता है तो किसी ना किसी तरह से तुम कर ही लोगे। उसके बाद मैं इस प्लेन पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद स्केच पर जाऊंगा, स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर देखो ये हेक्सागोन टाइप का पैटर्न, ऑक्टागोन टाइप का पैटर्न दिखा रहा है। ओके एक्चुअली मुझे कैसे पता चला ऑक्टागोन है, यहाँ पर देखो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ऑक्टागोन है। ओके, तो
तो चलो इसको करते हैं। करने के बाद मैं यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर एक्चुअली इसका नाम है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन को लेकर यहाँ पर मैं ईट कर दूंगा। ईट करने के बाद यहाँ पर सेंटर से, सेंटर नहीं दिख रहा यार, सेंटर से कुछ इस तरह से ले आऊंगा। ले आने के बाद सिलेक्ट मारूंगा और इस प्लेन कंट्रोल दबा के इस प्लेन सॉरी मैंने पॉइंट क्लिक कर दिया इस प्लेन, और इस प्लेन को मैं एक्चुअली यहाँ पर कोलिनियर कर दूंगा, और इस प्लेन को भी मैं यहाँ पर कोलिनियर कर दूंगा, और यहाँ पर मिडिल, और इस मिडिल को मैं कोइंसाइड कर दूंगा। तो देखो परफेक्टली हो चुका है। टिक मारो, टिक मारने के बाद मैं यहाँ पर ये देखो फिर से ट्रैफिक लाइट दिखा रहा है। तुम यहाँ पर भी दबा सकते हो या फिर तुम इस स्केच से बाहर भी जा सकते हो, तो भी ट्रैफिक लाइट का सिग्नल चला जाता है। हो गया हमारा काम। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सक्लूड कट करेंगे। एक्सक्लूड कट करने के बाद देखो अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर की तरफ कितना जाना है, अंदर की तरफ यहाँ पर 37.5, 37.5 जाना है। देखो उसके बाद ये अंदर की तरफ कट नहीं करना है, हमें फ्लिप करना है ताकि बाहर की तरफ कट हो जाए। ओके, उसके बाद इसको टिक मारूंगा। टिक मारने से देखो ये एकदम परफेक्टली हो चुका है। अच्छा मैं भूल गया था, इसके अंदर भी हमें एक एक्सक्लूड कट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पर क्लिक करके भी स्केच पर जा सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट इस वाले प्लेन को पर भी जा सकता हूँ। तो चलो इस वाले प्लेन पर ही जाते हैं, यही स्टैंडर्ड होता है। ओके तो मैं यहाँ पर सर्कल जाऊंगा। अच्छा देखो इसे यहाँ पर मुझे इसका मिड प्लेन नहीं दिख रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, मैं यहाँ पर कन्वर्ट एंटिटीज करूंगा, उसके बाद इस सर्कल को क्लिक करूंगा, तो उसके बाद इसको टिक मारूंगा, तो देखो इसका सेंटर मुझे मिल चुका है। यही मिरर एंटिटीज का बहुत ही अच्छा है। फ्री कैड में इस ऑप्शन का नाम है क्रिएट एक्सटर्नल जियोमेट्री, और सॉलिड वर्क में इस ऑप्शन का नाम है मिरर एंटिटीज। तो काम दोनों का सेम ही है। ऑटोकैड में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है फिलहाल तो। ओके मतलब मैं जितना जानता हूँ हो भी सकता है, मुझे नहीं पता एक्चुअली। उसके बाद मैं यहाँ पर सर्कल लूंगा। सर्कल तुम यहाँ से भी ले सकते हो या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से भी सर्कल ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके और ये कैसे सेटअप करना होता है वो तो मैंने अपने सॉलिड वर्क प्लेलिस्ट पर सिखाया था। ओके मतलब दिखाया था, मैं सिखाने वाला होता कौन। यहाँ पर क्लिक करने, क्या कर रहा हूँ यार, सर्कल लूंगा। सर्कल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करूंगा ये डायमेंशन। ओ स्मार्ट डायमेंशन ऑटोमेटिक क्यों हो रहा है। राइट क्लिक करके इस यहाँ पर रेडियस अंदर का कितना है, ओ अच्छा ऊपर यहाँ पर 25 दिया है, तो 25 डायमीटर एक्चुअली। डायमीटर एंटर मारता हूँ। एंटर मारने से हो गया। उसके बाद इसको टिक मारो। टिक मारने से देखो बीच पर यहाँ पर एक आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ पर स्केच से बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद मैं यहाँ पर एक्सक्लूड कट करूंगा। एक्सक्लूड कट करने के बाद पूरा नहीं यार, पूरा नहीं, मुझे देखो सिलेक्शन एरिया यहाँ पर मुझे जो भी है इसको डिलीट करना है। ओके मुझे सिर्फ अंदर वाले पार्ट को चाहिए, अंदर वाले पार्ट को चाहिए। क्या हो रहा है, ये एक्चुअली पहले से सिलेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। एक्सक्लूड कट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम सिर्फ इस सर्कल को लेंगे। सर्कल को लेने के बाद देखो हो गया। ओके थोड़ा सा पेशेंस रख के करना। ओके इधर उधर क्लिक हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर तुम करना थ्रू ऑल बोथ, काम खत्म। उसके बाद टिक मारो। टिक मारने से देखो हमारा काम हो चुका है। उसके बाद हमें इसको सुंदर करने के लिए थोड़ा सा फिलेट वगैरह देना पड़ेगा, तो फिलेट का ऑप्शन यहाँ पर है। ओके फिलेट का ऑप्शन देने के बाद यहाँ पर कुछ रेडियस वगैरह, देखो यहाँ पर कुछ रेडियस वगैरह दिया तो नहीं है, एक बार देख लेता हूँ। नहीं रेडियस वगैरह यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, तो मैं खुद के हिसाब से दे रहा हूँ। यहाँ पर रेडियस फुल प्रीव्यू ऑप्शन है, एक्टिव है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, अच्छा, यहाँ पर अगर मैं 15 दे दूंगा, 15 से नहीं होगा, 17 दूंगा, 17 से भी नहीं हो रहा है। मल्टीपल रेडियस नहीं, ये वाला ऑप्शन, चलो फिलेट ले लेते हैं। छोटा सा फिलेट क्यों नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक ही चाहिए। असिमेट्रिक मतलब ऊपर अलग नीचे की तरफ अलग है। हो गया, यहाँ पर मैं अगर 17 कर दूंगा तो फिलेट फेल हो, अच्छा 17 से फिलेट हो रहा है। कभी कभी फिलेट फेल भी हो जाता है, वो भी मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो पर दिखाया है। अच्छा एक्चुअली कंप्यूटर का प्रोसेसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। हो गया, यहाँ पर मैं अगर एंटर मारूंगा तो फिलेट फेल हो जा रहा है सच में। तो मैं यहाँ पर 17 दबा के ही एंटर मार रहा हूँ तो फिलेट ले रहा है। ओके 16 से देखता हूँ,
हालांकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है मैनुअल पर, इसलिए मैं खुद से ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलेट हो रहा है तो उसके बाद इस तरफ भी चलो दे देते हैं, यहाँ पर भी फिलेट दे दिया। फिलेट देने के बाद इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद एक कुछ इस तरह से आ गया है, तो चलो कोई बात नहीं। ओके यहाँ पर फिलेट दिया तो नहीं है, हाँ सच में ही नहीं दिया है। ओके अच्छा इस तरफ नहीं, फिलेट नहीं दिया है, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर भी देखो फिलेट नहीं दिया है। ओके इस पोर्शन पर तो मैं यहाँ पर भी एक खुद से ही फिलेट ले लेता हूँ। ओके मैं 5 या 6 या कुछ फिलेट लूंगा, यहाँ पर मैं फिलेट लूंगा। फिलेट लेने के बाद यहाँ पर 5 में भी हो जाना चाहिए। एंटर मारूंगा उसके बाद इसको क्लिक करूंगा, हाँ 5 फिलेट ले रहा है, फेल नहीं होगा तो परफेक्टली होगा। एक्चुअली वो ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फिलेट कहाँ पर होगा, सॉलिड वर्क्स खुद से भी कैलकुलेट करता है। तो मैं खुद से ही कोई फिलेट देने की कोशिश करूंगा और वो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली, तो सॉलिड वर्क्स कैसे ले सकते हैं, इसलिए कभी कभी फेल कर देता है। तो फिलहाल यहाँ पर 5 ले लिया तो कोई बात नहीं, हो गया हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर हमें एक काट आउट है, ओके इसको तुम कुछ भी कर सकते हो, हमें सिर्फ इसका डायमीटर चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक इस प्लेन पर क्लिक करके स्केच पर जाऊंगा। स्केच पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर सेंटर पॉइंट दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सर्कल लूंगा। सर्कल लेने के बाद यहाँ पर सेंटर क्लिक करके एक सर्कल लूंगा। सर्कल लेने के बाद यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊंगा। स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद 25 दबा का एंटर मारूंगा तो एक सर्कल मिल जाएगा। सर्कल मिलने के बाद टिक मारूंगा। टिक मारने के बाद एग्जिट स्केच करूंगा। एग्जिट स्केच करने के बाद थोड़ा सा मिडिल माउस से एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक्सक्लूड करूंगा। एक्सक्लूड करने के बाद तुम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो क्योंकि ये कटआउट पोर्शन है। ओके तो मैं यहाँ पर 5 दबा के, नहीं 5 बहुत बुरा बुरा लग रहा है, मैं यहाँ पर 12 दबा के एंटर मारता हूँ। ओके अब फिर भी फालतू लग रहा है यार, 15 हाँ ठीक लग रहा है। ओके करता हूँ। ओके करने से देखो एकदम हमारा ये पहला वाला पार्ट हो चुका है। ओके कुछ भूल तो नहीं रहा, एक बार 3D व्यू को देख लेता हूँ। एक्चुअली 3D व्यू देखना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें तुम अगर सचमुच कर मशीन ड्राइंग को पढ़ना जानते हो तो तुम्हें मशीन ड्राइंग का मैनुअल देखकर ही 3D को एज्यूम करना चाहिए, तो यही ब्रेन का पावर होता है। पर मुझे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसलिए मैं 3D को एक बार देख रहा हूँ। ओके तो 3D देखने से मुझे पता चल गया है कि मैंने कुछ भूल नहीं रहा, तो ठीक है इसको मैं फिलहाल के लिए कोई अपीयरेंस दे देता हूँ। अपीयरेंस मैं यहाँ पर मेटेरियल पर जाऊंगा। मेटेरियल पर जाने के बाद मुझे मेरा फेवरेट कॉपर था, कॉपर में जाने के बाद क्या हो रहा है, ओफो ऐसा नहीं, हाँ अब हो गया। डबल क्लिक किया, ओके पहले वो नहीं हो रहा था, नॉर्मली हो जाना चाहिए था। कंट्रोलर मिडिल माउस, हाँ और ये अच्छा एक सेकेंड, रियल व्यू ग्राफिक्स ऑन है ना, फिर भी ऐसा फालतू क्यों लग रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पर ना फ्री कैड में एक ऑप्शन होता है रिफाइन ज्योमेट्री नाम का, वो वाला ऑप्शन होता है तो ये सब जो लाइन वगैरह है ना ये मिट जाता, पर सॉलिड वर्क्स मुझे पता नहीं कि वो वाला ऑप्शन है भी या नहीं। जो भी हो फिलहाल मैं यहाँ पर एक कलर कर देता हूँ मेरा फेवरेट करके, यहाँ पर पार्ट 2 दबाऊंगा, यहाँ पर कलर आ जाएगा। कलर आने के बाद एक सेकेंड, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा, मैंने पूरे पूरे पार्ट को किया था, बॉडी को नहीं, तो पूरा एक साथ कलर होना चाहिए। अच्छा मेरा फेवरेट कलर बहुत फालतू लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों एक्चुअली, तो जो भी है मैं ऐसा ही रहने देता हूँ, अच्छा लग रहा है। ओके तो इसका नाम है फ्लेंज या ऐसा कुछ नाम इसका था। ओके अच्छा फोर्क, फोर्क इसका नाम है इस पार्ट का नाम। उसके बाद मैं इसको फाइल पे जाऊंगा, फाइल पे जाने के बाद सेव मारूंगा। सेव मारने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डेस्कटॉप पर जाऊंगा। डेस्कटॉप पर जाने के बाद सॉलिड वर्क्स के अंदर जाऊंगा। सॉलिड वर्क्स के अंदर जाने के बाद असेंबली के अंदर जाऊंगा, मेरे यहाँ पर साला असेंबली पहले से है, मैं यहाँ पर न्यू करके एक फोल्डर बनाऊंगा। फोल्डर बनाने के बाद नकेल फोल्डर का नाम दूंगा यहाँ पर 10 नकेल ज्वाइंट, KNUCKLE नकेल ज्वाइंट JOINT ज्वाइंट असेंबली VSSEMBL Y असेंबली। उसके बाद बाहर क्लिक करके इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर इसका नाम दूंगा कैप्स लॉक दबा के FORK। उसके बाद सेव मारूंगा, काम हो गया। उसके बाद इसको क्रॉस कर दो। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर फिर से एक फाइल लो, फाइल लेने के बाद न्यू करो। न्यू करने के बाद पाथ दबा के ओके करो। ओके करने के बाद हम यहाँ पर आई पोर्शन को करेंगे। ओके मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस मशीन ड्राइंग सब्जेक्ट के अंदर
नकेल जॉइंट का एग्जाम देने के बाद ही मैं इसका नाम कैसे भूल गया। ओके जो भी हो, यहाँ पर मैं पहले क्या करूंगा, स्केच पर जाऊंगा। स्केच पर जाने के बाद मैंने हर बार बोला है कि एक लाइन टूल लो, लाइन टूल लेने के बाद एक प्लेन सिलेक्ट करो, प्लेन प्लेन सिलेक्ट करने के बाद फॉर कंस्ट्रक्शन और इनफाइनाइट लेंथ को क्लिक करने के बाद एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को लो फॉर रेफरेंस। ओके उसके बाद मैं ये वाला पिक्चर को कॉपी कर रहा हूँ। ओके तो मैं यहाँ एक सर्कल लूंगा, सर्कल लेने के बाद सेंटर पॉइंट से एक सर्कल, क्या हो रहा है, एक सेकंड एक सेकंड, ये वाला ऑप्शन मेरा पहले से ऑन है इसीलिए पहले से डायमेंशन दे रहा है और मैं इतने देर से इसको ध्यान नहीं दिया, तो इसको ऑफ कर दो। अब देखो ये पहले से डायमेंशन नहीं लेगा। हाँ, इसको डिलीट करो। सर्कल ले रहा हूँ, सर्कल लेने के बाद क्लिक करने के बाद देखो अब यहाँ पर डायमेंशन नहीं ले रहा है। ये वाला ऑप्शन मैंने एकदम फास्ट वीडियो पर बताया था। ओके डिस्क्राइब किया था कि ये सारा ऑप्शन मैंने डिस्क्राइब किया था एक्चुअली, तो देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, मैं अगर बक बक करने लग जाऊंगा तो। यहाँ पर क्लिक करके फिर से सर्कल लूंगा, सर्कल लेने के बाद स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊंगा, स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करके इसका रेडियस, रेडियस नहीं डायमीटर है 50। देखो फिर से इसी का रेफरेंस पर 50 ले लिया, यही सॉलिड वर्क्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके अंदर वाले का डायमीटर 25, 25 दबा के एंटर हो गया काम। उसके बाद इसको टिक मारो, टिक मारने के बाद मुझे यहाँ पर एक सेंटर रेक्टेंगल लूंगा, हालांकि इसका कोई काम नहीं है तो मैं नहीं लूंगा। मैं यहाँ पर कॉर्नर रेक्टेंगल ले रहा हूँ। कॉर्नर रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर एक ऐसा हैंडल मारूंगा, हैंडल मारने के बाद यहाँ पर टिक मारा, टिक मारने के बाद स्मार्ट डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन उसके बाद इस लाइन का इसका थिकनेस है 30, 30 दबा के एंटर। ओके और यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का 30 का आधा 15, 15 दबा के एंटर ताकि बीच पे रहे। उसके बाद राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारूंगा, सिलेक्ट मारने के साथ एक सेकेंड एक सेकेंड, अच्छा ठीक ठाक ही है, मुझे ये बहुत ज्यादा लग रहा है एक्चुअली, 30 ज्यादा ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, मेरा क्या ऐसा दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा। ओके उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रिम करूंगा, ट्रिम एंटिटीज, मैं यहाँ पर एक्चुअली पावर ट्रिम कर रहा हूँ इसलिए मुझे ऐसे स्लाइड करना पड़ रहा है। ओके मैंने ट्रिम का भी एक अलग से वीडियो बनाया था, वहां पर सारा ऑप्शन को सिखाया था कि कौन से ट्रिम पर क्या होता है। ओके तो मैं फिलहाल पावर ट्रिम का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद इसको टिक मारूंगा, टिक मारने के बाद क्या हो रहा है, टिक मारने के बाद इसका टोटल डायमेंशन, टोटल डायमेंशन यहाँ पर दिया नहीं है तो मैं ये फोर्क वाला डायमेंशन का ही यूज कर रहा हूँ। हो गया तो मैं स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊंगा, यहाँ पर सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट का डायमेंशन कितना है, टोटल 125 माइनस 30 एंटर। ठीक है यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वही कर सकता हूँ जो दिया हुआ है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब फुल्ली कॉन्स्टेंट दिखा रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद मैं यहाँ पर टिक मारूंगा, टिक मारने के बाद यहाँ पर एग्जिट स्केच करूंगा, एग्जिट स्केच करने के बाद यहाँ पर इसको फीचर्स पे जाऊंगा, उसके बाद एक्सक्लूड पर क्लिक करूंगा। एक्सक्लूड पर क्लिक करने के बाद मैंने क्या बोला था, अच्छे बच्चे हमेशा मिड प्लेन यूज करते हैं। उसके बाद इसका देखो यहाँ पर स्क्वायर 30 मतलब रेक्टेंगल 30 है, मतलब इसका थिकनेस भी 30 ही होगा। ओके 30 दबा के मैं एंटर मारूंगा, हो गया काम। इस वाले का कितना था थिकनेस, अच्छा इसका भी 30 ही था, यहाँ पर 30 दिखा रहा है। ओके कोई बात नहीं, इसका भी 30 ही है, अच्छी बात है, नहीं तो मैच कैसे होगा। ओके अच्छा एक सेकेंड, इसके बीच का डिस्टेंस भी 30 था ना, हाँ इसके बीच का डिस्टेंस भी 30 था और इसलिए मैं इसका थिकनेस 30 ले रहा हूं, पर एक्चुअली 30 नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर एक अलाउंस देना चाहिए। अगर मैं इसको 3D प्रिंटिंग पर करूंगा तो उसका जो गैप है वो भी 30 है और मैंने जो आई बना रहा हूँ वो भी 30 है, तो ये अटक जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर एक टॉलरेंस देना चाहिए। ओके पर कोई बात नहीं, मतलब मेरा दिमाग बोल रहा है कि यहाँ पर एक टॉलरेंस देना चाहिए, पर यहाँ पर मैनुअल पर 30 लिखा हुआ है तो मैं इसको ओवरराइट करूँ या ना करूँ यही समझ नहीं पा रहा। चलो कर देता हूँ यार, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक नाम का कुछ चीज होता है ना, टॉलरेंस पता है ना, क्लियरेंस स्पीड सब कुछ है, था मुझे इतना याद नहीं है एक्चुअली। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली 29 दे रहा हूँ, प्लस माइनस 1 टॉलरेंस दे रहा हूँ। उसके बाद मैं एंटर मारूंगा, एंटर मारने से हो गया। ओके मतलब यहाँ पर मैनुअल पर तो नहीं दिया है पर मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ समझ के ऐसे कर रहा हूँ, नहीं तो तुम इसको अगर 3D प्रिंटिंग करने जाओगे तो प्रॉब्लम पे पड़ोगे। ओके तो मैं इस प्लेन पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्केच पर जाऊंगा, स्केच पर जाने के बाद मैं यहाँ पर एक पॉलीगॉन लूंगा, पॉलीगॉन लेने के बाद यहाँ पर आठ
सिलेक्ट हुआ है, उसके बाद ऐसे क्लिक करके मैं इस लाइन नहीं नहीं जम रहा, ऐसे सिलेक्ट करके इसको टिक मारूंगा। टिक मारने के बाद क्या हो रहा है यार, एस्केप मारो, टूल को फ्री फ्री करो हमेशा एस्केप मारने के बाद। ओके इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कंट्रोल दबा के इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कोलिनियर करूंगा, काम खत्म। उसके बाद इस पर टिक मारो, टिक मारने से हो गया काम। अच्छा नहीं हुआ काम एक्चुअली। ओके इधर ये निकला क्यों हुआ है। अच्छा अंडू मारो, अंडू फिर से अंडू मारो। इस लाइन से मैं अगर कोइन सेट कर दूं तो ये छोटा कैसे हो सकता है। ये तो एक देखो, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ये मीट नहीं रहा, मतलब कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे ड्राइंग पर। मैं इस पर क्रॉस कर रहा हूँ या डिस्कट चेंजेस। ओके यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर स्क्वायर 30 नहीं है, इसीलिए यहाँ पर। ओ अच्छा, मेरी ही गलती है यार। इसको एडिट करो, एडिट करने के बाद यहाँ पर मैंने एक्चुअली 29 कर दिया था ना। छोड़ो यार, तुम इसको 30 कर दो, 30 करने के बाद ओके करो, काम खत्म। ओके इसको ओके करो, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रहा था। ओके तुम एक्सक्लूड पर 29 कर रहे हो, मतलब तुम्हें यहाँ पर जब तुम थिकनेस दिए थे तभी तुम्हें 29 करना था, नहीं तो ये रेक्टेंगल को सेटिस्फाई नहीं करता। समझ गए हो, अगर तुम्हारे पास अकल है तो तुम समझ चुके होगे। यहाँ पर क्लिक करके मैं स्केच पर जाऊंगा, स्केच पर जाने के बाद फिर से पॉलीगॉन लूंगा, पॉलीगॉन लेने के मैंने 30 कर दिया, याद रखना। ओके उसके बाद मैं इसको टिक मारूंगा, टिक मारने के बाद एक बार इसके मारो क्योंकि टूल को फ्री करना है। उसके बाद इसको क्लिक करके इस लाइन को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कोलिनियर कर दूंगा। अब देखो एकदम परफेक्ट आ गया। ओके सब कुछ सोच समझ पे काम करना पड़ता है। ओके एक जगह पर प्रॉब्लम करोगे तो फ्यूचर में दूसरी जगह पर प्रॉब्लम करेगा, अभी जैसे हो गया। ओके उसके बाद मैं इसको एग्जिट स्केच करूंगा, एग्जिट स्केच करने के बाद एक्सक्लूड कट करूंगा, कट करने के बाद अंदर की तरफ कितना ले जाऊंगा, 37.5। ओके कहाँ पर है एक्चुअली 37.5। अच्छा थ्रू ऑल क्यू दिखा रहा है यार, ब्लाइंड करो, ब्लाइंड करने के बाद यहाँ पर 37.5 दबा के एंटर मार रहा हूँ। एंटर मारने के बाद फ्लिप द डायरेक्शन करो क्योंकि बाहर की तरफ पड़ना है, उसके बाद टिक मारो। टिक मारने से देखो एकदम परफेक्टली हो चुका है। तो उसके बाद हमेशा की तरह फिलेट वगैरह जैसे हम दे देते हैं दे दो। ओके फिलेट पर क्लिक किया, फिलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद अच्छा 5 10 दिया हुआ है, 5 दबा के एंटर मारो, छोटा छोटा हो गया। अच्छा मैंने और एक गलती कर दी थी, तुमने ध्यान नहीं दिया। ओके मैंने अभी उसको ठीक कर देता हूँ, फिलहाल इसको ठीक करो। ठीक करने के बाद देखो मैंने यहाँ पर एक्चुअली स्केच के टाइम पर फिलेट नहीं दिया है, तो तुम अगर चाहते हो कि स्केच के टाइम पर फिलेट दो तो तुम यहाँ पर स्केच को फिर से एडिट कर सकते हो, पर मैं एडिट ना नहीं करूंगा ये मानते हुए कि यहाँ पर भी तुम एडिट कर सकते हो। वो कैसे करोगे, फिर से तुम फिलेट पर जाओ, फिलेट 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 पर जाओ। फिलेट पर जाने के बाद यहाँ पर कितना था फिलेट, एक्चुअली रेडियस 24 था, तो 24 दबा के मैं एंटर मारूंगा। एंटर मारने के बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा, अगर तुम्हारे योलो योलो नहीं दिखा रहा है तो तुम यहाँ पर फुल प्रीव्यू पर क्लिक कर दो तो ये दिखा देगा। ओके नो प्रीव्यू पर रहेगा तो नहीं दिखाएगा, फुल प्रीव्यू पर हमेशा दिखाएगा। मैंने वो फिलेट का भी एक वीडियो बनाया था, वहां पर मैंने ये सारा ऑप्शन एक्सप्लेन किया था, तुम अगर जानते हो तो अच्छी बात है। उसके बाद मैं यहाँ पर टिक मार रहा हूँ, टिक मारने के बाद देखो एकदम कंप्लीट हो चुका है हमारा आई पार्ट। ओके अच्छा यहाँ पर हमें एक कट थ्रू बनाना है, इसको मैं स्केच करूंगा। स्केच करने के बाद मुझे यहाँ पर एक सर्कल चाहिए, सर्कल लेने के बाद क्लिक करने के बाद ऐसे एक सर्कल, उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन बजाने के बाद यहाँ पर सर्कल का डायमीटर 25 25 दबा के एंटर, एंटर मारने के बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एग्जिट स्केच करूंगा, उसके बाद फीचर्स एक्सक्लूड फीचर, एक्सक्लूड फीचर करने के बाद यहाँ पर कुछ भी चलेगा, तो मैं 20 देकर एंटर मार रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। टिक मारो, टिक मारने से काम खत्म। काम खत्म होने के बाद यहाँ पर एक अपीयरेंस दे दो, कॉपर को मैं पिछले वाले पर दिया था, यहाँ पर क्रोमियम देता हूँ। क्रोमियम अच्छा तो लग रहा है, एक बार मैं कलर को चेंज करके देखता हूँ कि मेरा वो मनपसंद वाला कलर आ रहा है कि नहीं, कुछ कुछ आ रहा है। अच्छा मुझे नहीं पता कि ये वाला पार्ट छूट क्यों जा रहा है हमेशा। ओके एक्चुअली लाइट वायलेट कलर मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है। ओफो ये पार्ट छूट क्यों गया यार, मैंने यहाँ पर पार्ट को क्लिक क्लिक किया, मतलब पूरे को होना चाहिए। फेस पर क्लिक किया, फेस को क्लिक करो, इसको भी क्लिक करो, अगर
ऑटोमेटिक नहीं होता तो मैनुअल कर देना। ओके हाँ, ये वाला कलर भी बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। ओके उसके बाद इस पर टिक मारो। टिक मारने के बाद मैंने इसको एल्यूमिनियम दिया था। ओके तो अच्छा, तुम यहाँ पर ना अंदर की तरफ एक फिलेट वगैरह दे सकते हो। ओके फिलेट का ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पर फिलेट का ऑप्शन है यहाँ पर मैं, अच्छा बहुत ज्यादा ही फिलेट है। मैं यहाँ पर एक्चुअली बहुत ही कम फिलेट करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि 0.7 दबा के एंटर ऐसा कुछ। ओके और तुम इस तरफ जाके यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, या फिर तुम इस प्लेन को भी क्लिक कर सकते हो, सेम ही हो जाता है। ओके तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है अच्छा, मैं सोच रहा था कि तुम्हें एसिमेट्रिक एक बार करके दिखाऊं, पर कोई बात नहीं, मैंने दिखाया था सारा ऑप्शन, मैंने एक्सप्लेन किया था एक वीडियो पर मेरे प्लेलिस्ट के अंदर, नीचे लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। यहाँ पर भी चाहो तो फिलेट वगैरह दे सकते हो, पर कोई मतलब नहीं बनता, तुम खुद से जब करोगे तब दे देना, यहाँ पर करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। इस फाइल को भी मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। इस पार्ट का नाम है आई। ओके इस पार्ट का नाम है ई वाई ई, आई दबा के मैं एंटर मारता हूँ। हो गया। उसके बाद मुझे कॉलर और पिन देना होगा। कॉलर मतलब वो गोल टाइप का जो नीचे जिसके अंदर पिन घुसता है। ओके और यहाँ पर टैपर पिन। चलो अब नीचे वाला छोटा छोटा पार्ट कर लेते हैं, ये तो 1 सेकंड का काम है। इसको मैं क्रॉस करता हूँ। क्रॉस करने के बाद फिर से फाइल, फाइल पर जाने के बाद न्यू, उसके बाद पार्ट, उसके बाद ओके। ओके करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर स्केच पर जाऊंगा। स्केच पर जाने के बाद मैं यहाँ पर लाइन लूंगा। लाइन लेने के बाद कोई भी एक नीचे वाला प्लेन ले रहा हूँ फिलहाल। फॉर कंस्ट्रक्शन इनफाइनाइट लेंथ, यहाँ पर क्लिक करके सीधा लाइन, यहाँ पर क्लिक करके सीधा लाइन, उसके बाद ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर एक सर्कल, सर्कल लेने के बाद एक सर्कल, उसके बाद दो सर्कल। हालांकि ये सर्कल तुम बाद में भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊंगा। स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अंदर का कुछ पता नहीं, बाहर का यहाँ पर 38 दिखा रहा है, एंटर मारूंगा। हो गया। उसके बाद अंदर का यहाँ पर 25 दिखा रहा है। हो गया, ये नीचे वाला इमेज देख पा रहे हो ना? हो गया। उसके बाद मैं इसको टिक मारूंगा। टिक मारने के बाद मैं यहाँ पर एग्जिट स्केच करूंगा। एग्जिट स्केच करने के बाद मैं यहाँ पर फीचर्स पे जाके एक्सक्लूड करूंगा। एक्सक्लूड करने के बाद देखता हूँ, अच्छा बाहर वाला हो रहा है। बाहर वाला कितना है इसका? 10, एकदम परफेक्ट है। उसके बाद अच्छा, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, यहाँ पर मिड प्लेन नहीं, यहाँ पर वाइंड करना, मतलब एक ही तरफ करना। ओके मिड प्लेन ले लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हमेशा वो वाला नुस्खा काम नहीं करता। ओके यहाँ पर मैं इसको टिक मारूंगा। टिक मारने के बाद देखो हो गया। होने के बाद यहाँ पर फिर से इसको एक्सपेंड करो। स्केच पर जाओ। स्केच पर जाने के बाद फिर से इसको एक्सपेंड करो। एक्सपेंड होने के बाद देखो यहाँ पर एक गलत सिलेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर सिलेक्शन कॉर्नर पे जाके इस स्केच को यहाँ पर डिलीट मारो। डिलीट मारने के बाद अंदर वाले को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको बढ़ाओ। अच्छा यहाँ पर, हाँ ठीक है, मर्ज मर्ज क्लिक करके रखना। अगर मर्ज नहीं करोगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। ओके ऑटोकैड में भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ता था, मैंने वीडियो पर दिखाया था कि अलग अलग होने पर मर्च कैसे करना पड़ता है, पर फ्री कैड में ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ऑटोमेटिक ही मर्च कर देता है। ओके यहाँ पर 82 + 10, ओके तो 92, 92 दबा के मैं एंटर मारूंगा। हो गया, टिक मार दो। टिक मारने से काम हो गया। ओके उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, अच्छा तो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा होल लेना होगा। एक होल पे क्या होता है, जो KUI की होता है वो इस होल पर जाता है, तो इस होल को लेने के लिए मैं क्या करूंगा, होल को लेने के लिए मैं यहाँ पर एक एक्सिस को सिलेक्ट करूंगा। एक्सिस को सिलेक्ट करो, कोई भी एक एक्सिस सिलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रंट या राइट भी क्लिक कर सकते थे, कोई फर्क नहीं। राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट मारो। सिलेक्ट मारने के बाद यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर एक लाइन लेना। लाइन लेने के बाद यहाँ पर इनफाइनाइट लेंथ करो। इनफाइनाइट ऑफ, इनफाइनाइट लेंथ लेने की कोई जरूरत नहीं थी यार, इसके मारो। लाइन टूल को लो। लाइन टूल लेने के बाद कंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींच दो, राइट क्लिक करके सिलेक्ट। सिलेक्ट मारने के बाद मुझे इसका डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कितना है देखो, टोटल है यहाँ पर 11, और ये मिड प्लेन है। मिड प्लेन मतलब 11.5 प्लस यहाँ पर टोटल डिस्टेंस देखो 5 है ना, तो 5 का आधा होगा। तो स्मार्ट डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन जाने के बाद इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कितना है, 11.5 प्लस 5 का आधा कितना होता है, 2.5। एंटर हो गया काम। उसके बाद फिर से मुझे एक लाइन टूल लेना होगा। कंस्ट्रक्शन मत ले लेना, कंट्रोलर मिडिल माउस दबाकर थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा टैप पर करके यहाँ तक क्लिक करके इसको ऐसे जोड़ दूंगा। ओके राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद इसका डिस्टेंस कितना होगा,
पांच का आधा कितना होता है, पांच का आधा होता है 2.5, दवा का एंटर मारूंगा। ओके, अब प्रॉब्लम क्या हुआ, मुझे नहीं पता कि इस तरफ का डिस्टेंस कितना है, इस तरफ का डिस्टेंस कितना है मुझे नहीं पता, यहाँ पर दिया नहीं है, पर यहाँ पर दिया हुआ है टैप आर 1:50। तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पर 50, एक सेकेंड, यहाँ पर इस सिलेंडर का डायमीटर कितना है, सिलेंडर का डायमीटर है 25, सिलेंडर का डायमीटर है 25, 25 बाई मैं अगर 50 करूंगा तो कितना होता है 0.5, तो मुझे इस पांच डायमीटर से 0.5 कम करना होगा। तो स्मार्ट डायमेंशन लूंगा, स्मार्ट डायमेंशन लेने के बाद 5 - 0.5 दबा के, अच्छा मैंने माइनस नहीं दिया एक्चुअली, -0.5 दबा के मैं एंटर मारूंगा, 0.5, हाँ अब ठीक ही है, तो कितना होता है 0.5 मुझे कम करना होगा, तो 5 - 0.5 तो कितना होता है 4.5, पर मैं तो आधा ले रहा हूं तो बाई 2 करूंगा तो 2.25, एक्चुअली यहां पर 2.25 दबा के एंटर मार रहा हूं, अब एकदम परफेक्ट हो चुका है। उसके बाद इसको टिक मारूंगा, टिक मारने के बाद देखो फिर से ये फुल्ली डिफाइंड नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है मुझे एक्चुअली, स्पेस दबा के इसको नॉर्मल करता हूँ, इस ऑफ सरफेस नहीं लाइन, एज लाइन, इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के इस लाइन को सिलेक्ट करो, कोलिनियर कर दो, उसके बाद इस तरफ भी इस लाइन को सिलेक्ट करो और कंट्रोल दबा के इस लाइन को क्लिक करके कोलिनियर कर दो, तो देखो एकदम फुली डिफाइंड आ चुका है। उसको अच्छा टिक मारो, टिक मारने के बाद यहाँ पर एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद मैं यहाँ पर स्केच को सिलेक्ट है, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रिवॉल्व, रिवॉल्व करूंगा और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट पर, अब देखो रिवॉल्व हो चुका है, उसके बाद इसको टिक मारूंगा, टिक मारने से ये क्या हो चुका, ओफो रिवॉल्व काट करना था यार, रिवॉल्व काट करूंगा और उसके बाद इस एक्सिस ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है, उसके बाद इसको टिक मारो, टिक मारने के बाद देखो हमारा थ्रेडेड कट तैयार हो चुका है। तुम चाहो तो यहाँ पर एक छोटा सा फिलेट वगैरह भी दे सकते हो, ओके मैंने छोटा सा बोला था, इतना बड़ा नहीं, ओके वन दबा के एंटर मारता हूँ, ओके काम हो गया है, एकदम परफेक्टली काम हुआ है, ओके इस तरह भी तुम रिवॉल्व वगैरह दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं फिलहाल के लिए नहीं दे रहा, इसको थोड़ा सा कोई अपेयरेंस वगैरह दे देता हूँ, इसको मैं निकेल, क्या हो गया, निकेल दे रहा हूँ, हाँ अच्छा लग रहा है, ओके अच्छा लग रहा है, उसके बाद इसको मैं सेव करूंगा, ये एक्चुअली पार्ट 3 है और पार्ट 3 का यहाँ पर नाम है पिन, तो मैं इसको फाइल दबा के सेव करूंगा, सेव करने के बाद यहाँ पर PIN दबा के एंटर मारूंगा, तो ये भी हमारा सेव हो चुका है, ओके उसके बाद हम यहाँ पर पार्ट 4 कॉलर करेंगे, कॉलर मतलब वो गोल टाइप का चीज है जिसको अंदर ले जाने के बाद हमें पिन को यहाँ अंदर करना पड़ता है, एरा 4, ओके बहुत ही आसान है, 1 मिनट का चीज है। यहाँ पर मैं फाइल पर जाऊंगा, न्यू पर जाऊंगा, पार्ट पर जाने के बाद ओके करूंगा, ओके करने के बाद मैं यहाँ पर स्केच पर जाऊंगा, स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर एक लाइन लूंगा, लाइन लेने के बाद कोई भी एक प्लेन ले सकता हूँ, मैं टॉप प्लेन को लूंगा, उसके बाद फॉर कंस्ट्रक्शन इनफाइनाइट, उसके बाद ऐसे क्लिक करके पूरा वाई एक्सिस पूरा एक्स एक्सिस, उसके बाद टिक मारो, टिक मारने के बाद सर्कल करो, सर्कल करने के बाद 1 सर्कल, यहाँ पर 2 सर्कल, उसके बाद राइट क्लिक करके सिलेक्ट, उसके बाद दोनों को ऐसे सिलेक्ट करके तुम कोलिनियर कोसेंट्रिक भी कर सकते थे, पर मुझे लगता है कि इसका सेंटर सेम है, अगर ना भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मार्ट डायमेंशन पर जाके यहाँ पर बाहर का कितना है 38 दबा के एंटर, और अंदर का कितना है, अंदर का 25 दबा के एंटर, 25 होना ही चाहिए क्योंकि वो जो 25 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पिन है इसका भी ये सिलेंडर का डायमीटर देखो 25 ही है, ओके तो सब कुछ देख, एक्चुअली यहाँ पर भी टॉलरेंस होना चाहिए, पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इसको 3D प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, ओके इसको टिक मारता हूँ, टिक मारने के बाद हमारा काम लगभग खत्म हो चुका है, उसके बाद मैं एग्जिट करूंगा, एग्जिट करने के बाद यहाँ पर फीचर्स पे जाऊंगा, एक्सक्लूड पर जाऊंगा, एक्सक्लूड पर जाने के बाद यहाँ पर एक्चुअली मिड प्लेन करूंगा, मिड प्लेन करने के बाद यहाँ पर थिकनेस 10 दिया है, 10 दबाने के बाद ओके करूंगा, फिर से यहाँ पर एक झमेला करना होगा जो पिछली बार किया था वही वाला, यहाँ पर देखो 1:50 का टैपर होल दिया हुआ है,
तो मैं देखता हूँ कौन सा, ए वाला होल नहीं, ए वाला प्लेन छोड़कर कोई भी एक प्लेन ले लो, ए वाला भी ले सकते हो, ए वाला भी ले सकते हो, मैं यहाँ पर फ्रंट प्लेन ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी होल ले सब लो। ओके, लेने के बाद मैं अब फ्रंट में राइट क्लिक करके स्केच पर जा रहा हूँ। स्केच पर जाने के बाद मुझे एक्चुअली एक सेंटर लाइन चाहिए फॉर कंस्ट्रक्शन इनफाइनाइट, यहाँ पर क्लिक करके लिया लिया सेंटर, उसके बाद क्लिक मारो, क्लिक मारने के बाद क्लिक मारो, क्या हुआ, हाँ ये ब्लू नहीं दिखाना चाहिए, हमेशा ब्लैक दिखाना चाहिए, इसलिए मैं बाहर क्लिक किया, देखा ब्लैक दिखा रहा है, अगर ब्लू दिखा रहा है तो मतलब मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये देखो सेंटर पॉइंट के साथ कॉन्स्टेंट भी है और यहाँ पर हॉरिजेंटली भी कॉन्स्टेंट है, फिर भी कैसे ब्लू दिखा सकता है। ओके, मतलब ये रूल के खिलाफ हो जाता, इसलिए मैं थोड़ा सा चौंक गया था कैसे हो सकता है, पर बाहर क्लिक किया देखा ब्लैक ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली सिलेक्ट था तब। ओके, उसके बाद एक लाइन लूंगा, लाइन लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके कुछ इस तरह थोड़ा सा टैपर देने के बाद इस तरह, उसके बाद ऐसे ज्वाइंट कर दूंगा, राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर दूंगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाओ, स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद अच्छा ऐसा भी कर सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, इस पॉइंट पर क्लिक करो, क्या हो गया, स्मार्ट डायमेंशन लो, स्मार्ट डायमेंशन लेने के बाद इस पॉइंट पर क्लिक करो, छोड़ो यार मैं एक्चुअली कुछ और नया चीज दिखाने की कोशिश कर रहा था पर हो क्यों नहीं रहा, इसको छोड़ो यार, टोटल कितना है, 6, तो आधा कितना होगा, 3, ये एंगल फेंगल कैसे ले रहा है, इस पॉइंट से मिड प्लेन तो आधा कितना होगा, 3, टोटल है 6, तो आधा है 3, और इस तरफ कितना होगा, क्या यार इसके मारो आप, ठीक है, टोटल कितना होगा इसका डायमीटर कितने अंदर का, 25, तो मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया था कि 25 by 50 कितना होता है, 0.5, तो 0.5 कम होगा, 0.5 कम होगा किस से, 6 से, तो मैं यहाँ पर 6 - 0.5 दबा के एंटर मारता हूँ, तो 5.5 हो रहा है, उसका आधा, क्योंकि हम आधे से काम कर रहे हैं, यहाँ इस तरफ भी हम 6 के बगैर 3 लिए थे, तो by 2 कितना होता है, 2.75, तो यहाँ पर होगा 2.75, हाँ थोड़ा सा टैपर है, इस तरफ 3 है, इस तरफ 2.75 है, अच्छी बात है, टिक मारो, टिक मारने के बाद अच्छा ये ब्लू क्यों है, मैंने बताया था इस पॉइंट और इस एज लाइन से इसको कोलिनियर कर दो, और इस लाइन और इस लाइन से भी इसको कोलिनियर कर दो तो ब्लैक हो जाता है, पर ऐसा ना भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं एग्जिट स्केच करूंगा, एग्जिट स्केच करने के बाद मैं यहाँ पर रिवॉल्व कट करूंगा, रिवॉल्व कट करने के बाद डायरेक्ट ले लेता है, अगर ना भी ले तो यहाँ पर एक्सिस ले लेना, ओके ये वाला लाइन टिक मारो, टिक मारने से हमारा कॉलर रेडी हो चुका है। ओके इसके बाद इसको भी तुम, मैं इसको आयरन देना पसंद करूंगा, अच्छा छोड़ो यार क्या हो रहा है यार, टोटल क्यों नहीं लेता, हाँ ले लिया, इसका कलर कुछ और होता तो ज्यादा अच्छा होता, राइट क्लिक करके पूरा पार्ट्स पार्ट पर जाऊंगा, पार्ट डिजाइन पर जाने के बाद इसको कुछ, हाँ इस तरह अच्छी बात है, अच्छा कलर है, ओके अच्छा लग रहा है, ओके तो उसके बाद इसको, तो ये कौन सा पार्ट था, कॉलर था, इसको फाइल दबा के सेव करूंगा, इसको फिलेट वगैरह भी दे सकते थे पर मैं उतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है ऑलरेडी, मुझे लगता है कि हालांकि मैं टाइम नहीं देख पा रहा, सेव कर दूंगा, सेव करने से हो गया, उसके बाद एग्जिट करूंगा, एग्जिट करने के बाद मुझे यहाँ पर पिन, ओके एक्चुअली इसको की भी कहते हैं, ओके तो टैपर पिन, पिन मतलब वो छोटा सा जो अंदर की तरफ जाएगा, ये देखो इसके अंदर भी सेम टैपर है 0.5 का, तो मैं यहाँ पर फाइल दूंगा, फाइल देने के बाद न्यू, उसके बाद पार्ट डिजाइन, ओके करूंगा, ओके करने के बाद हमेशा की तरह मैं लाइन टूल लूंगा स्केच पे जाने के बाद, उसके बाद कोई भी एक प्लेन लूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद कॉन्स्टेंट कॉन्स्ट्रक्शन लाइन, उसके बाद इनफाइनाइट लेंथ, उसके बाद क्लिक करने के बाद वाई एक्सिस, क्लिक करने के बाद एक्स एक्सिस, उसके बाद इसको टिक मार दो, टिक मारने के बाद मैं क्या करूंगा, अच्छा मुझे यहाँ पर भी आधा करना होगा, नॉर्मली एक लाइन टूल लो, लाइन टूल लेने के बाद को जिस तरह से ऐसा कुछ करो, उसके बाद यहाँ पर ना एक रेडियस है जो मुझे दिख नहीं रहा कि कितना रेडियस है, कोई बात नहीं हम बाद में दे देंगे,
यहाँ पर तुम नॉर्मली कर दो, यहाँ पर क्लिक कर दो, राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारो, ये सीधा नहीं हुआ तो क्लिक करके इसको वर्टिकली कांस्टेंट कर दे, ऊपर की तरफ क्यों उठ गया बाबा। ठीक है, तो उसके बाद इसको स्मार्ट डायमेंशन पर जाओ, स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद इसका डिस्टेंस सेट 44 44 देखा है, छोटा नहीं किया, इसी के रेफरेंस पर ले लिया, इसलिए सॉलिड वर्क्स इतना पसंद है मुझे। क्लिक करके 6.5 का आधा 6.5/2 दबा के एंटर, कितना हुआ 3.25। ओके, तो यहाँ पर 0.5 मुझे कम करना था, मैं फिर से वो हिसाब पर नहीं जा रहा कि 25/50 करूंगा तो 0.5 मिलेगा, इतनी देर से मैं वही कर रहा हूँ, बार बार नहीं करूंगा। तो 0.5 से मुझे कितना कम करना, 6.5 से मुझे 0.5 कम करना है, तो आ गया 6, तो 6 का आधा होता है 3, तो यहाँ पर 3 जाएगा, तो इसका डायमेंशन है 3, 3 दबा के एंटर, हो गया हो गया। अच्छा सिलेक्ट करूंगा, अच्छा अब तुम बोलोगे कि ये अभी कांस्टेंट ब्लू ब्लू क्यों नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं, तुम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर सकते हो, तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, या फिर करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ओके, एग्जिट स्केच करो, एग्जिट स्केच करने के बाद यहाँ पर फीचर्स पे जाओ, फीचर्स पे जाने के बाद रिवॉल्व मारो, रिवॉल्व मारने के बाद इसको क्लिक करो, तो देखो हो गया, टिक मारो, टिक मारने के बाद हो गया, पर यहाँ पर एक रेडियस वगैरह है, रेडियस कितना है मुझे हो सकता है कि दिख नहीं रहा, या फिर मुझे पता नहीं है कैसे करना है। जो भी हो, मैं यहाँ पर अपने हिसाब से कर रहा हूँ, फिलेट दे रहा हूँ, मशीन ड्राइंग पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो मैं खुद से कर रहा हूँ। इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अच्छा यहाँ पर फुल प्रीव्यू तो है ना, 10 पे फेल हो रहा है एक्चुअली। ओके, तो मैं यहाँ पर अगर 5 देकर एंटर मारूंगा तो भी नहीं हो रहा है, मैं अगर 3 देकर एंटर मारूंगा तो हो रहा है। अच्छा बहुत छोटा पार्ट है ना, इसलिए बड़ा फिलेट करने से फेल हो जा रहा है। 2 दबा के एंटर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि एक्चुअली गोल है या कुछ भी है। ओके करो, ओके, इसको फिर से एडिट करो, एडिट करने के बाद मुझे इस तरफ भी तो लेना है ना। ओके, ले लिया दोनों तरफ, इसको टिक मारो, टिक मारने से हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, जितना मुझे मशीन ड्राइंग पर दिख रहा है, मैनुअल पर दिख रहा है, उतना तो कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं आयरन थोड़ा सा ब्लैक कलर देना चाहूंगा। ओके, ओफो पूरा क्यों नहीं होता यार, आप हो गया देगा, इसीलिए मुझे पसंद नहीं है यार, पूरा पार्ट को कलर कर, परफेक्टली हो चुका है। थोड़ा सा हमें देखकर पता चल रहा है ना कि टैपर थोड़ा सा है, स्पेस दबा के अगर ऐसा करूंगा, बहुत ही छोटा सा टैपर है। ओके, जो भी हो, मैं यहाँ पर इसको फाइल करूंगा, फाइल करने के बाद यहाँ पर सेव करूंगा, इसका नाम एक्चुअली की है, पर यहाँ पर टैपर पिन दिया हुआ है, वो भी ठीक है, मैं नॉर्मल पिन ही रख देता हूँ, सॉरी पिन एक अलग चीज का नाम है। ओके, टी ए टैपर पिन। ओके, उसके बाद इसको सेव करो, सेव करने से हमारा काम हो चुका है। ओके चलो अब इसको असेंबली करते हैं, सारा पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इस पार्ट को देखकर भी तुम असेंबली कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसी को देखकर भी असेंबली कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर फाइल पर जाऊंगा, फाइल पर जाने के बाद न्यू पर जाऊंगा, न्यू पर जाने के बाद असेंबली पर ओके करूंगा, बहुत ही आसान सा चीज है, तो असेंबली पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें एडवांस असेंबली मैकेनिकल असेंबली पर जाना नहीं पड़ेगा शायद, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो मैं यहाँ पर 4 को ले रहा हूँ, 4 को लेने के बाद जो पहला वाला पार्ट क्लिक करता हूँ, एक्चुअली इसको फोर्क ना बोल के डबल आई भी क्या बोल सकते हो। ओके मतलब मैंने तो क्लास पर यही सिखा था कि इसको डबल आई कहते हैं। ओके जो भी हो, इसको राइट क्लिक करके तुम यहाँ पर फ्लोट करो, फ्लोट कर, मैं क्लास मतलब कॉलेज की बात कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर मुझे मेट को क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद मेन जो एक्सिस है, मेन जो एक्सिस है इस असेंबली का जो एक्सिस है, और ये जो पार्ट है ये देखो सिलेक्ट हो रहा है ना, इस पार्ट का जो एक्सिस है, इन दोनों को हमें सेम करना होगा, तो इसका फ्रंट पार्ट देखो हो गया, इस पे एक टिक मारो, एक बार मारने से नहीं होता, 2 बार टिक मारो। इसका जो टॉप प्लेन है और इस पार्ट का भी जो टॉप प्लेन है ये भी सेम हो गया,
इसका जो राइट प्लेन है और इस पार्ट का जो राइट प्लेन है वो भी यहाँ पर सेम हो चुका है। ओके, टिक मार दो। टिक मारने से हमारा एक स्टैंडर्ड बेस रेडी हो चुका है, इसी के रेस्पेक्ट पर हम सारे चीज को असेंबली करेंगे। तो फिर से मैं यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट्स पर जाता हूँ। अच्छा, डायरेक्ट खुल चुका है, अच्छी बात है। तो मैं सिंगल आई को ले रहा हूँ, एक्चुअली फोन को डबल आई कहते हैं और इसको सिंगल आई कहते हैं। ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अच्छा, इसको तुम ना ऐसे घुमा भी सकते हो, तो ज्यादा ही घूम गया शायद। हाँ ठीक है, सिलेक्ट क्लिक कर दो। क्लिक करने से बैठ गया। ओके, उसके बाद क्या करूंगा, इस पार्ट को क्लिक करके मेट पर जाऊंगा। मेट पर जाने के बाद इस पार्ट, इस प्लेन को क्लिक करूंगा तो ये सेम एक्सिस पर आ चुका है। उसके बाद इस पर टिक मारो। टिक मारने के बाद अब देखो, ये सेम एक्सिस पर ही मूव होगा। अब मुझे एक एडवांस मेट पर जाना पड़ेगा। सॉलिडवर्क्स में असेंबली को मेट करते हैं यार, कोई बात नहीं। ओके, एक्चुअली मेट मतलब असेंबली के अंदर जो कॉन्स्टेंट हम यूज करेंगे उसको मेट कहते हैं। उसके बाद हम एडवांस असेंबली, एडवांस मेट पर जाएंगे। उसके बाद विथ पर जाएंगे। विथ पर जाने के बाद इस प्लेन को क्लिक करेंगे और इस प्लेन को क्लिक करेंगे। हो गया दो फेस। और उसके बाद इस फेस को क्लिक करेंगे और इस फेस को क्लिक करेंगे, तो आराम से अंदर की तरफ आ चुका है। ओके, अगर हम एडवांस मेट ना करते तो हमें बहुत कुछ करना पड़ता, लेंथ वगैरह देना पड़ता। हो गया, उसके बाद हमें पिन लगाना होगा। पिन लगाने के लिए फिर से इंसर्ट कंपोनेंट। उसके बाद अच्छा, डायरेक्ट ही खुल जाता है यार, मैं ब्राउज दबाने वाला था। पिन दबाने के बाद ओके करूंगा। ओके करने के बाद अच्छा, पिन उल्टा हो गया। अब ठीक है, पिन दे दिया। उसके बाद इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद मेट के अंदर जाओ। मेट के अंदर जाने के बाद इस फेस पर क्लिक करो, टिक मारो। हो गया काम। अब हमें क्या करना होगा, अच्छा हो तो गया, एक्चुअली कोस एंट्री हो गया। उसके बाद इस प्लेन को क्लिक करो और इस प्लेन को क्लिक करो, अंदर की तरफ चला गया एकदम अच्छी तरह से। हो गया, एक बार सेक्शन करके देख लेता हूँ ठीक ठाक है कि है भी या नहीं सब कुछ। कोई भी किसी के ऊपर उभर या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यही देखना पड़ता है। देखो एकदम टाइट है, मतलब 1% भी टॉलरेंस यहाँ पर नहीं दिया हुआ है और यही प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पर हम थोड़ा सा फिलेट वगैरह दिया थे ना, वही यहाँ पर दिख रहा है। ओके, एक्चुअली यही स्टैंडर्ड है, हम हर चीज को फिलेट देना पड़ता है। ओके, टेबल वाइज पे तुम इसको अटक कर फिलेट दे सकते हो। ओके, घस कर, घिस घिस कर, उसको टेक्निकल टर्म में कुछ कहते हैं यार, मुझे नहीं पता, जो भी हो। ओके, तो उसके बाद हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा, कॉलर। हाँ कॉलर ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर कॉलर आ चुका है। यहाँ पर ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम होगा, हम बाद में एडिट भी कर लेंगे। मेट पर जाएंगे। मेट पर जाने के बाद इसका प्लेन को क्लिक करेंगे और इस प्लेन को क्लिक करेंगे। हो गया काम। उसके बाद इसको टिक मारो। टिक मारने के बाद सबसे मुश्किल चीज जो है, मुझे ये नहीं पता कि टैपर कौन से तरफ है। ओके, मुझे एक्चुअली इसको सेक्शन थोड़ा सा सोचने दो, मैं इसको सीधी तरफ घुमा लेता हूँ। अच्छा, और भी एक चीज है, मैं इतना सोच क्यों रहा हूँ यार, एवेल्यूट पर जाऊंगा, कैलकुलेट पर जाऊंगा, कैलकुलेट पर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा, क्या हो गया, सॉरी सॉरी एवेल्यूट नहीं, मेजर, मेजर पर जाऊंगा। मेजर पर जाने के बाद इस प्लेन को क्लिक करूंगा, यहाँ पर 18.87 और इस तरफ 17, मतलब ये वाला छोटा है। ओके, और ये वाला बड़ा है। ओके, अब ऊपर की तरफ देखता हूं, ए इस तरफ बड़ा है, ए 14 है और दूसरी साइड पर 15 है, मतलब मैंने उल्टी तरफ घुमा दिया। ओके, तो मुझे एक्चुअली इसको इस तरफ घुमाना होगा, घुमाने के बाद बड़ा वाला बड़ा साइड। ओके,
उसके बाद मुझे असेंबली पर जाना होगा। एक्चुअली ये सारा ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन किया था कुछ पहले के वीडियो पर, और मुझे फिलहाल थोड़ा सा वाइप आउट हो चुका है क्योंकि मैंने बहुत दिनों से सॉलिडवर्क्स इस्तेमाल नहीं किया था कॉलेज के प्रेशर की वजह से। तो अभी देख रहा हूँ, याद है कि ऐसा एक ऑप्शन है पर कहाँ है थोड़ा ढूंढना पड़ता है मुझे। ओके, यहाँ पर एवोल्यूट के अंदर है। ओके, धीरे धीरे फिर से मुझे सब कुछ याद आ जाएगा, इतना भी टेंशन मत लो यार। ओके, उसके बाद मैं मेट पर जाऊंगा। मेट पर ओफो, ये वाला प्लेन सिलेक्ट कैसे रह गया, डिलीट मारो, इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या आ गया, कोस एंट्री, टिक मारो। टिक मारने से एकदम परफेक्ट हो गया। मुझे लगा था कि ये मुझे डायमेंशन पर थोड़ा सा चेंज करना होगा, ये वाला मतलब समझ ही चुके हो। टिक मारता हूँ, टिक मारने से अच्छा एक, ओ दोनों एक साथ घूम रहा है। ओके देखो मैं इसको घुमाऊंगा ऊपर, पिन भी घूम रहा है। ओके पिन को घुमाऊंगा तो देखो ये वाला कॉलर भी घूम रहा है क्योंकि ये दोनों को मैंने एक साथ मेट कर दिया। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ओके उसके बाद एक आखिरी वाला पिन, आखिरी वाला जो ऑप्शन है, आखिरी वाला जो ऑप्शन है जिसका नाम है की, जिसको यहाँ पर बोल रहा है टैपर पिन, ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फिर से मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा कौन सी करप चीजें। एब्सोल्यूट पर जाऊंगा, मेजर पर जाऊंगा, मेजर पर जाने के बाद यहाँ पर डायमेंशन लूंगा 17, और इस तरफ डायमेंशन लूंगा 18, मतलब इस तरफ बड़ा है, याद रखना पड़ेगा। अब इसका डायमेंशन यहाँ पर 6.48, और इस साइड का है डायमेंशन पता नहीं चल रहा है। अच्छा तो ये वाला साइड ही बड़ा वाला है, तो अच्छी बात है, सब कुछ सही चल रहा है। मेट पर जाऊंगा, मेट पर जाने के बाद, मेट पर जाने के बाद एक क्या सिलेक्ट रहेगा यार, इस चीज, इस वाले प्लेन सरफेस, और इस वाले सरफेस को कोसेंट्रिक करके ओके करूंगा। ओके करने से ये ऐसे हिल क्यों रहा है, ओ अच्छा घूम रहा है, सॉरी सॉरी अंदर की तरफ चला गया। अच्छा यहाँ पर एक लेंथ लेंथ देना चाहिए था, एक सेकंड मैं इसको देखता हूँ मेट को एडिट कर सकता हूँ कि नहीं। ये वाला मेट है। अच्छा मुझे यहाँ पर लेंथ चाहिए, अनेबल टू मेट द सिलेक्टेड एरियाज, सिलेक्टेड एंटिटीज, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर सॉरी गाइस फॉर दिस इंटरप्शन, एक्चुअली फिर से पावर कट हो चुका था, इसीलिए यहाँ से वीडियो को फिर से रीशूट करना पड़ रहा है। तो चलो लेट्स बिगिन द वीडियो अगेन। ओके तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, स्पेस दबा के इसको नॉर्मल करूंगा। नॉर्मल करने के बाद यहाँ पर सेक्शन कट करूंगा, सेक्शन कट करने के बाद इसको टिक मारूंगा। टिक मारने के बाद यहाँ पर देखूंगा, ओ माय गॉड, जिसका डर था एक्चुअली वही हो रहा था। ओके ये जो पिन है ना, ये देखो जिसके पार्ट नहीं है, इसीलिए बोल रहा था कि एक बार स्टेबल कर दूं। स्टेबल कैसे करूंगा, ओके मैं सिर्फ एक नॉर्मल मेट करूंगा, उसके बाद इसको फिर से नॉर्मल कर दूंगा। ओके मेट पर क्लिक कर, मेट पर क्लिक करने के बाद इसको एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर हमारा जो कॉलर है, कॉलर का कोई भी एक टॉप को छोड़कर कोई भी एक एक्सिस, फ्रंट एक्सिस लो या अच्छा है, उसके साथ टैपर पिन का फ्रंट एक्सिस को ज्वाइंट करके इसको ओके कर दो, सिर्फ उस देर के लिए। बाद में हम इस मेट को डिलीट भी कर देंगे ताकि इधर उधर घूम ना पाए, सिर्फ आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको सेक्शन करेंगे। सेक्शन करने के बाद सेक्शन क्या हो रहा है, अच्छा सेक्शन इस तरह हो गया, सॉरी हम यहाँ पर फिर से एक बार सेक्शन करेंगे। सेक्शन करने के बाद इसको टिक मारेंगे। टिक मारने के बाद स्पेस दबा के नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल करने के बाद देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। देखो जो वो देखा था वही, ओफो ये फिर से घूम रहा है। मैंने जो मेट किया था वो वाला मेट कोई काम नहीं आ रहा है, तो उस वाले मेट को ऐसे डिलीट कर दो ताकि ये फिर से नॉर्मल घूम पाए। ओके मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको मेन एक्सिस के साथ ही फिक्स्ड कर दे रहा हूँ, सिर्फ कुछ देर के लिए। मेन एक्सिस, ये वाला एक्सिस के साथ हमारा जो टैपर पिन का जो फ्रंट एक्सिस है
उसको मैं नॉर्मल करके देखता हूँ अब सही दिखाता है कि नहीं। ओके उसके बाद मैं सेक्शन के ऊपर जाऊंगा, हाँ अब एकदम सही दिखा रहे। उसके बाद टिक मारूंगा, टिक मारने के बाद स्पेस दबा के नॉर्मल पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब देखो जो प्रॉब्लम मुझे लग रहा था वही प्रॉब्लम एक्चुअली हो गया। ओके देखो मैं रियल व्यू ग्राफिक्स को थोड़ी देर पहले बंद कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। देखो यहाँ पर मेन जो मतलब जो होल है उसके साथ हमारा जो एक की है ये इंटरसेप्ट कर रहा है, देख रहे हो ना, होल छोटा है और की बड़ा है। ओके मतलब जो टैपर पिन है ये बड़ा है पर हमें हमारा कोई गलती नहीं है, देख रहे हैं, देख पा रहे हो ना ये इंटरसेप्ट कर रहा है पर हमारा कोई भी गलती नहीं है क्योंकि हमारा मैनुअल पर ही ऐसा ही था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। दिख स्टॉप अगस्त महापत्रो। उसके बाद यहाँ पर असेंबली नाकेल ज्वाइंट, नाकेल ज्वाइंट उफ कहाँ गया, वो शायद डाउनलोड्स पर था। ओके जहां भी हो एक्चुअली मुझे फिर से शायद हाँ ये वाला मिल गया। ओके ये देखो यहाँ पर हमारा होल कितना था, हमारा होल देखो 5 डायमीटर का था बड़ा साइड और हमारा जो पिन था टेपर पिन उसका बड़ा वाला साइड था 6.5। कैसे होगा? ओके होल से हमारा पिन ज्यादा बड़ा है तो वही यहाँ पर दिख भी रहा है। ओके तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मैनुअल पर ही ऐसा था। हाँ तुम यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको ओपन पार्ट करके फिर से इसको एडिट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर इसको एक्सपेंड करो, स्केच पर जाओ, एडिट स्केच पर करो। एडिट स्केच करने के बाद यहाँ पर तुम यहाँ पर डायमेंशन वगैरह को फिर से यहाँ पर एडिट फेडिट कर सकते हो पर हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे जैसा डिस्कार्ड चेंजेस एंड एग्जिट, यहाँ यहाँ से भी क्रॉस कर देंगे। उसके बाद हम नो कर देंगे, हम फिर से असेंबली को रिबिल्ड नहीं करना चाहते। अगर हम यस कर देते तो फिर से असेंबली को रिबिल्ड करना पड़ता, वो सब फालतू झंझट में हम नहीं पड़ना चाहते इसलिए हम नो करते। तो फिलहाल मैं इस कॉन्स्टेंट को सप्रेस नहीं करूंगा, यहाँ पर इसको नॉर्मली डिलीट कर दूंगा। ओके इसका कोई काम नहीं है, हमने देख लिया है। तो ऐसे नॉर्मली बाहर वगैरह जा सकते हैं अगर तुम इसको फिक्स करना चाहते हो, जिसकी जरूरत तो नहीं है पर अगर फिक्स करना चाहते हो बीच में तो कर सकते हो। यहाँ पर फिर से मैं मेट पर जाऊंगा, मेट पर जाने के बाद इसका राइट प्लेन लूंगा और हमारा जो कॉलर है उसका राइट प्लेन लूंगा। अभी अंदर की तरफ चला जा रहा है पर हम ऐसा नहीं चाहते, हम एक डिस्टेंस देना चाहते। तो डिस्टेंस हम कितना देंगे, 30 देने से देखो ये बहुत इस तरफ ज्यादा आ गया तो हम यहाँ पर 23 देकर एंटर मारेंगे। तो ये सामने की तरफ भी कुछ आ गया, पीछे की तरफ भी कुछ आ गया, एकदम सही है। तो टिक मार दो, इसको भी टिक मार दो, तो इस तरह से एकदम फिट आ गया। ओके ये नॉर्मली घूम भी सकता है सब कुछ जैसा चाहिए क्वार्टर जॉइंट के लिए, ये वाला एकदम परफेक्ट है। ओके तो स्पेस दबा के इसको आइसोमेट्रिक कर दो, आइसोमेट्रिक करने से परफेक्टली हो चुका है। ओके तो उसके बाद हम रियल व्यू ग्राफिक्स को ऑन कर देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। चलो उसके बाद हम इसको मोशन देंगे। मोशन देने के लिए हम क्या करना होगा, राइट क्लिक करके हमें यहाँ पर टूल बार पर जाके यहाँ पर मोशन मैनेजर को क्लिक करना होगा ताकि ये वाला ऑप्शन आ जाए मोशन स्टडी। ओके यहाँ पर कुछ वगैरह है, इसको नो फो कर दो। ओके ये अगर नीचे की तरफ है तो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको सही तरह से लाओ जैसे तुम एक्चुअली दिखाना चाहते हो। उसके बाद हम इसको रेंडर भी करेंगे, वो भी दिखाऊंगा कैसे होता है। ओके तो इस तरह से रखो जैसे कि दिख, हाँ थोड़ा सा इस तरफ स्पेस दबा के अगर आइसोमेट्रिक करूंगा लो एकदम परफेक्टली दिखा रहा है। ओके तो देखो यहाँ पर कुछ ब्लू ब्लू सा डायमंड सा है और यहाँ पर ब्लैक और ग्रे सा है। तो देखो ये जब मैं यहाँ पर माउस ले रहा हूँ तो ये दिखा रहा है कि कौन से पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर तुम इस की को एडिट करना चाहते हो मतलब एनिमेट करना चाहते हो तो इस पे काम है, मैं कुछ देर बाद सब कुछ दिखाऊंगा। और अगर मैं फिलहाल शुरू करता हूँ ओरिएंटेशन से, हमें ओरिएंटेशन को चेंज करना होगा। तो ये वाला ओरिएंटेशन पहले से यहाँ पर है। ओके रिप्लेस की कर देता हूँ। उसके बाद मैं ओरिएंटेशन को कुछ इस तरह से चेंज करूंगा। ओफो सॉरी सॉरी सॉरी, पहले हमारा ऐसा था, ऐसा ही रहने दो। ओके उसके बाद मैं इस लाइन को कुछ यहां पर ले आऊंगा। उसके बाद ओरिएंटेशन को इस तरह से चेंज करूंगा। ओके और एकदम सीधा सीधा ही तुम ले आके यहाँ पर राइट क्लिक करके प्लेस की कर दो, एकदम सीधा सीधा रहना चाहिए। यहाँ पर करोगे तो दूसरे पार्ट का हो जाएगा। ओके उसके बाद फिर से उसके बाद फिर से यहाँ पर थोड़ा सा आगे ले आके फिर से कुछ स्पेस दबा के इसको आइसोमेट्रिक पर ले आता हूँ। ओके कुछ इस तरह से ऐसे करूंगा। ओके फिर से यहाँ पर नीचे की तरफ एक बार दिखाना चाहता हूँ,
यहाँ पर क्लिक करके प्लेस की कर दो। अब देखता हूँ कितना हुआ है, कुछ इस तरह से आके, कुछ ऐसे ऐसे, हाँ इस तरह से मोशन हो रहा है, अच्छी बात है। तो नीचे की पार्ट देखने के बाद यहाँ पर मैं ऊपर का पार्ट देखना चाहता हूँ कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर ऐसे करके राइट क्लिक करके प्लेस की कर देता हूँ। ओके, अब देखता हूँ यहाँ पर तो इस तरह से आके थोड़ा सा लैपटॉप हैंग कर रहा है क्योंकि प्रोसेसर इतना लोड नहीं ले पा रहा। ओके, तो इसलिए ऐसे रुक रुक कर दिखा रहा है। ओके, अच्छी बात है, ये लूप पर है तो ऐसे ठीक है, इसलिए बार बार हो रहा है। यहाँ से तुम स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर इस चीज को मोशन देना चाहता हूँ। मोशन देने के लिए यहाँ पर देखो, तुम यहाँ पर जब भी आओगे तो वो वाला पार्ट यहाँ पर दिखाएगा, ये आई, सिंगल आई एक्चुअली इसको कहते हैं। तो इसका सीधा मैं यहाँ पर एक कैट पिन करूंगा एकदम इसके सीधा, उसके बाद इस आई को मैं इस तरह से ऐसे करना चाहता हूँ। ओके, ऐसे, सॉरी सॉरी सॉरी, जैसा है वैसे रहने दो, थोड़ा सा ऐसे आगे ले आओ। आगे ले आने के बाद मैं इसको कुछ इस तरह से करना चाहता हूँ। ओके, तो देखो हो गया। उसके बाद मैं अगर इसको मोशन दूंगा तो देखो ये यहाँ पर रुक जाएगा। उसके बाद ये वाला पार्ट, प्रोसेसर मतलब बहुत लोड ले रहा है इसलिए ऐसे रुक रुक कर दिखा रहा है, मतलब इतना अच्छा लैपटॉप भी हैंग हो रहा है। तो मैं इसको और थोड़ा सा यहाँ पर ले आऊंगा टाइम लाइन को, उसके बाद इसको इस तरफ ले जाऊंगा, और उसके साथ साथ इसका जो ओरिएंटेशन है उसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। उसके बाद यहाँ पर ले आके प्लेस की कर दूंगा। अब देखो कैसा लगता है, एक कुछ इस तरह से होगा। होने के बाद ये यहाँ पर ऐसे घूमेगा, घूमने के बाद ओरिएंटेशन चेंज होते होते ही इस तरह से, अच्छा ओरिएंटेशन चेंज उतना अच्छा तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम इस चीज को एक बार अंडू कर देते हैं। अंडू करने के बाद कुछ इस तरह से ही रखते हैं, और यहाँ पर एक नया की जनरेट करते हैं। नया की जनरेट करने के बाद यहाँ पर इसको नीचे के साइड पर कंट्रोल दबा के कुछ छोटा करके नीचे के साइड पर ऐसे घुमाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर एक की प्लेस करूंगा। अब देखता हूँ, हाँ मैं इसको कुछ इस तरह से रख कर ही इसको घुमाना चाहता था, उसके बाद करते करते ओरिएंटेशन चेंज करना चाहता था, अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर देखता हूँ कि कौन से व्यू पर एग्जिस्ट कर रहा है, अच्छा कुछ इस तरह के व्यू। अब मैं इसको फिर से सीधा, ओफो, स्पेस दबा के नॉर्मली आइसोमेट्रिक कर दो। ओके, आइसोमेट्रिक से बात नहीं बन रही है, कोई बात नहीं। ओके, मैं कुछ इस तरह से रखना चाहता हूँ, एक्चुअली नीचे का पार्ट दिख पाए इसलिए। तो यहाँ पर प्लेस की, अब देखो मैं इसको एक्सप्लोडेड व्यू पर दिखाऊंगा, मतलब सब कुछ ऐसे खोल रहा है। तो मैं फिर से मॉडल पर जाऊंगा, मॉडल पर जाने के बाद यहाँ पर मैनेजर पर जाऊंगा, मैनेजर पर जाने के बाद यहाँ पर इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके एक्सप्लोडेड व्यू पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद पहले इस पिन को लो, पिन को लेने के बाद इसको ऐसे बाहर निकालो, ठीक ठाक है ना, हाँ। उसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसको नहीं, एक्चुअली ओफो पिन क्यों सिलेक्ट हो गया, एक्चुअली हमें इस कॉलर को सिलेक्ट करना है, कॉलर को नीचे की तरफ ले आना है। ओके, नीचे की तरफ, उसके बाद डन हो गया। डन होने के बाद मैं इस पिन को क्लिक करूंगा, पिन को क्लिक करने के बाद इसको ऊपर की तरफ उठाऊंगा, फिर से डन हो गया। डन होने के बाद यहाँ पर इसको कुछ इसी तरह, हाँ ठीक ही है। उसके बाद इसको डन करूंगा, उसके बाद इसको भी ऐसे क्लिक करके इस तरफ ले आऊंगा। ओके, उसको, उसके बाद ये भी डन हो गया। ओके, उसके बाद इसको टिक मार दो। टिक मारने के बाद यहाँ पर इसको एक्सपेंड करो और इसको डबल क्लिक करो ताकि सब जुड़ जाए। फिर से जुड़ने के बाद फिर से हम मोशन पर आएंगे। मोशन पर आने के बाद यहाँ से हम एक्सप्लोडेड दिखाना चाहते थे, तो एक्सप्लोडेड यहाँ पर हम जाएंगे एनिमेशन विजार्ड पर। उसके बाद हम एक्सप्लोड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। 5 सेकेंड में हम एक्सप्लोड को दिखाना चाहते हैं, और कहाँ से दिखाना चाहते हैं, 7.45 सेकेंड से हमारा मोशन शुरू होना चाहिए। फिनिश कर देंगे तो हो गया। उसके बाद चलो शुरू से देखते हैं। अब कुछ यहाँ पर हमारा इस तरह से एनिमेट हो रहा है। ओके, तुम इस बीच में भी एडिट वगैरह कुछ डिलीट वगैरह भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, पूरा कंट्रोल तुम्हारे पास है। अच्छा, पिन जब खुलेगा तब हमें ऊपर से दिखना है। ओके, ए वाला पार्ट मैं एकदम नीचे से देखना चाहता हूँ एक्चुअली। ओफो, ए वाला पार्ट, ये जो पिन खुल रहा है ये ठीक है, ये जो पिन खुल रहा है एकदम ठीक है। यहाँ से मैं राइट क्लिक करके एक प्लेस करूंगा। उसके बाद जो ए कॉलर खुल रहा है, ओके,
उसको मैं कुछ इस तरह से देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्लेस की ऐड करूंगा, उसके बाद जब पिन जब खुलेगा तब मैं इसको जूम आउट करके कुछ इस तरह से जूम इन करके देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इसको प्लेस करता हूँ, अब देखता हूँ क्या हुआ। ओके हाँ, अब ये खुल रहा है। उसके बाद पिन ऊपर से एकदम परफेक्ट है, नहीं, परफेक्ट नहीं है। उसके बाद जब यहाँ पर देखूंगा तो कुछ इस तरह से मैं देखना चाहता हूँ। एक्चुअली खोल कौन रहा है, अच्छा ये वाला पार्ट खुल रहा है, तो मैं कुछ इस तरह से इसको देखना चाहता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके प्लेस करूंगा, उसके बाद ये वाला पार्ट खुलेगा, तो मैं इसको कुछ इस तरह से देखना चाहता हूँ। ओके यहाँ पर प्लेस की, उसके बाद इसको नॉर्मली आइसोमेट्रिक कर दो। ओके प्लेस कर दो, उसके बाद देखो ये एक्सप्लोड हुआ। उसके बाद हमें फिर से इसको जोड़ना होगा, फिर से हम विजर्ड पर जाएंगे, कोलैप्स पर जाएंगे, नेक्स्ट पर जाएंगे। 5 मिनट नहीं, इसको हमें 3 सेकंड पर, 5 सेकंड नहीं, 3 सेकंड पर चाहिए। ओके कम समय में, चलो आ गया। उसके बाद ऐसे जुड़ रहा है, अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक की ऐड करूंगा, उसके बाद यहाँ पर फिर से कुछ इस तरह से प्लेस करूंगा। उसके बाद जब नीचे की तरफ जुड़ रहा है, तो नीचे की तरफ ऐसे उठा दूंगा। ओके तो इसको मैं ऐसे प्लेस करूंगा, प्लेस करने के बाद यहाँ पर पिन जा रहा है। ओके इसको कुछ इस तरह से दिखाना ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके तो प्लेस करता हूँ, चलो एक बार देख लेता हूँ कैसा कुछ हुआ है। ओके तो इसको मैं रन करता हूँ, रन करने के बाद देखो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से हुआ है। यहाँ पर बहुत ज्यादा लोड ले रहा है एक्चुअली। उसके बाद नीचे से पिन खुलेगा, ऊपर से हमारा पिन, उसके बाद एकदम परफेक्ट, उसके बाद सब कुछ फिर से जुड़ जाएगा एकदम नीचे से। अच्छा अब एक फाइनल टच, पहले देख लो कि पहला कुछ इस तरह से था, रेड हमारा सिंगल आई यहाँ पर, डबल आई यहाँ पर, तो कुछ ऐसा ही रखने की कोशिश करो। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे निकाल कर मैं स्पेस दबा कर इसके फिर से अगर आइसोमेट्रिक कर दूंगा, करने के बाद यहाँ पर एक्चुअली मैं आइसोमेट्रिक करना चाहता हूँ। आइसोमेट्रिक ऐसे करूंगा, ओके इसका यहाँ पर प्लेस की करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारा जो आई है, इस आई के लिए यहाँ पर एक प्लेस करूंगा, उसके बाद इसको फिर से इसी तरह से घुमाऊंगा जैसे एक्चुअली था। ओके उसके बाद चलो देखते हैं कैसा हमारा हुआ। तो जिस तरह से पूरा शो करने के बाद हमारा मूवमेंट दिखाएगा, मूवमेंट दिखाने के बाद एक्सप्लोडेड व्यू पर भी दिखाएगा एनिमेशन पर ऑटोमेटिकली, उसके बाद एक कोलैप्स भी करेगा, कोलैप्स करने के बाद फिर से उसी मोशन पर आ जाएगा। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया ये वाला पार्ट? ये वाला पार्ट कुछ बढ़ा दो। ओफो एक बार अंडू कर दो, कुछ प्रॉब्लम हो गया शायद। ओके यहाँ पर हमारा कैसा था, ऐसा था यहाँ पर, अच्छा, सॉरी ये फोंग नहीं, आई आई का यहाँ पर एक्चुअली होना चाहिए था। ओके इस वाले का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, एक्चुअली आई का जरूरत है। ओके प्लेस की, तो उसके बाद आई थोड़े से देर तक तो जिस तरह से ऐसे मूव करेगा, हाँ अब एकदम परफेक्टली हो चुका हूँ। अब देखता हूँ कैसा लग रहा है। ओके इस तरह से व्यू पर आएगा, एकदम परफेक्टली हो रहा है, पूरा ऐसे एक्सप्लोडेड व्यू पर दिखाएगा, ऊपर से पिन खुलेगा, उसके बाद ऐसे डबल आई, उसके बाद कोलैप्स होगा, कोलैप्स होने के बाद ऐसे करके एकदम परफेक्टली। अच्छा और भी एक चीज कर सकते हो, इसको तुम अगर बहुत ही कम टाइम में कर दोगे ना तो कोई एरर नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ एकदम परफेक्टली हो चुका है। ओके तो अब इसको हम वीडियो कैसे करेंगे, वीडियो मतलब समझ रहे हो ना। ओके हमें इसको रेंडर करना होगा, रेंडर करने के लिए यहाँ पर नकल ज्वाइंट असेंबली ऐसे क्लिक करो। अच्छा पहले से मैं कुछ रेंडर किया था, वीडियो पर कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए। ओके एक्चुअली मैंने माइक ऑन करना भूल गया था, इसलिए मुझे फिर से एक बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ओके तो एक्चुअली मेरा फोल्डर आकाशदीप महापात्रो, उसके बाद यहाँ पर असेंबली के अंदर, नकल ज्वाइंट के अंदर
ये दोनों वीडियो मैंने अभी अभी रेंडर किया था, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पर नाकेल जॉइंट असेंबली, उसके बाद यहाँ पर रेशियो सिलेक्ट कर लेना। ओके, मैंने यूट्यूब या अगर फेसबुक के लिए छोड़ना चाहते हो तो यहाँ पर 16:9 रेशियो कर देना। उसके बाद यहाँ पर सेव करो। सेव करने के बाद यहाँ पर एडिटर पूछ रहे हैं, मैं यहाँ पर फुल फ्रेम अनकॉम्प्रेस करूंगा। ओके करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मोशन स्टडी रिजल्ट आउट ऑफ डेट, डू यू वांट टू रिकैलकुलेट देम बिफोर सेविंग? ऑब्वियसली रिकैलकुलेट करने दो। ओके, जो भी हो उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस कंप्यूटर का प्रोसेसर भी उतना अच्छा नहीं है जितना एक्चुअली सॉलिड वर्क्स को चाहिए। सो मैं भी, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। ओके, तो रेंडर जितना हो सकता था ये लैपटॉप किया, तो उसके बाद हम फाइनल देखेंगे। चलो, हमारा रेंडर हो चुका है, फाइल को ओपन करेंगे, एक वीडियो सेव हो चुका है। चलो देखते हैं कैसा हुआ हमारा वीडियो। देखो, फिलहाल जितना हो सकता था हुआ, इससे अच्छा शायद नहीं हो सकता। फ्रेम भी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। ओके, ये मतलब एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड इतना ही कर सकता था और भी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड चाहिए अगर तुम एकदम स्मूथ रेंडरिंग चाहते हो तो। उतना तो मेरे पास एक्सेस नहीं है, तो मैं फिलहाल इसको सेव करता हूँ, रिबिल्ड एंड सेव कर दो। ओके, अच्छा, और एक चीज मैंने दिखाना भूल गया, यहाँ पर मोशन से मैं बाहर आ जाता हूँ, मैं नॉर्मल मॉडल पर आऊंगा। ओके, हमारे नॉर्मल असेंबली पर। यहाँ पर एक चीज देखो, एक प्रैक्टिकल चीज नहीं है, मैं इसको घुमा तो सकता हूँ, अच्छी बात है, पर इस तरह से भी घुमा सकता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, समझ गया ना, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मुझे यहाँ पर और एक मेट देना होगा, तो मैं यहाँ पर मेट दूंगा। मेट देने के बाद मुझे एक्चुअली एक एंगल देना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इस लाइन को क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस लाइन को आर को क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली हमें चाहिए एंगल। अच्छा, एंगल नहीं हो सकता ना, ये सीधा लाइन नहीं है एक्चुअली। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो, ओके, ए वाला लाइन ले लो और यहाँ पर ए वाला लाइन ले लो। ओके, हाँ, अब ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आराम से एंगल दे सकते थे। ओके, एंगल दे सकता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर एडवांस असेंबली पर जाऊंगा ताकि छोटा एंगल और मैक्सिमम कितना एंगल वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो देखो एक कितना जा रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ पर 30 डिग्री करके एंटर मारता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर 3310 दबा के एंटर मारता हूँ। अब देखता हूँ क्या होता है, नहीं तो बाद में मैं इस पे एडिट कर दूंगा। ओके करता हूँ। ओके करने के बाद, ओ अच्छा, इस तरफ हो गया एक्चुअली। ओफो, मुझे एक्चुअली यहाँ पर करना था। ओके, तो यहाँ पर फ्लिप डायरेक्शन कर देता हूँ। फ्लिप डायरेक्शन करने के बाद मैं अगर यहाँ पर ओके करूंगा, यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है। चलो देखते हैं। अच्छा, मैं एक ही तरफ कर देता हूँ और इसके बाद फ्लिप डायरेक्शन कर देता हूँ। अब देखता हूँ क्या प्रॉब्लम होगा। हाँ, एकदम परफेक्ट है। ओके, तो तुम मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरफ ऑपोजिट साइड पे था, मैं यहाँ पर दोनों को एक ही साइड पर कर दिया। मैं अगर ए वाला लाइन और ए वाला लाइन लेता तो मैं यहाँ पर ऑपोजिट साइन करता, मैं एक ही साइड पर किया इसलिए सेम साइड पर किया। ओके, समझ गया। उसके बाद टिक मारता हूँ, फिर से टिक मारता हूँ। अब देखो इसके अंदर नहीं जाएगा और इसके अंदर भी नहीं जाएगा। देखो यहाँ पर स्किप कर रहा है, इसके अंदर नहीं जा रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारा एकदम परफेक्ट हो गया। स्पेस दबा के इसको आइसोमेट्रिक कर देता हूँ। हमारा रेंडर भी कंप्लीट हो चुका है, तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और अगर तुम एक नॉर्मल एक्सप्लोडेड व्यू पर दिखाना चाहते हो, ओके, एक्सप्लोडेड व्यू यहाँ पर कहाँ से दिखता है यार, नॉर्मल असेंबली। अच्छा, यहाँ पर रिफ्रेश कर दो एक बार। ओके, या फिर तुम इसको एक बार सेव कर लो। सेव करने के बाद यहाँ पर एक्सप्लोडेड व्यू होना चाहिए। एक्सप्लोडेड एक्सप्लोडेड एनिमेशन कहाँ पर दिखाता है यार, स्मार्ट मूव यहाँ पर एक्सप्लोडेड एनिमेशन होता है। ओके, सो छोड़ो यार, मैं यहाँ पर फिर से, अच्छा, तो ये रहा एनिमेटेड कोलैप्स, मुझे ये रहा एनिमेटेड एक्सप्लोडेड। हाँ, इसको तुम इस तरह से भी नॉर्मली एनिमेट, मतलब यहाँ पर मोशन पे ना जाके भी इस तरह से एनिमेट कर सकते हो। यहाँ पर लूप हो रहा है, इसको तुम एक बार लूप कर सकते हो, या फिर नॉर्मल एक बार ही एक्सप्लोड कर सकते हो, या फिर से एक बार चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये सिर्फ नॉर्मल चेक करने के लिए। ओके, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर जाके डबल क्लिक करता हूँ ताकि एक्सप्लोड कोलैप्स हो जाए। ओके, नॉर्मल तो मोशन पर जाओगे तो वहां पर तो है ही, यहाँ पर के अपडेट एनिमेशन
इसको छोड़ो यार, क्या फालतू के लिए दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर तो नॉर्मल ऐसी एनिमेशन है एक्सप्लोडेड व्यू के साथ। ओके, यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल एनिमेट हो जाएगा। तो चलो यही वीडियो है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर। आज के लिए बाय बाय।